Are we live? Hello, welcome, welcome, welcome. OG gang is back. Uh, पिछले हफ्ते लोग तो uh, मालिक लाहौर के सबसे बड़े स्टूडियो में अली आफ्ताब सईद कैसे हैं अली लाहौर का सबसे बड़ा डॉन जबरदस्त बहुत मुबारक और मजा आ गया टू ये टू हंड्रेड के तो बनते ही थे और आठ लाख मजीद इसी साल के अंदर इनशाला इंशाल्लाह वन मिलियन की पार्टी में अली जो है ना वो रख से बिस्मिल करेगा कोयलों के ऊपर डांस करवाएंगे इसका नीम ब्रहना <laughs> मेरे ख्याल से अली बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आर पॉडकास्ट आप एक कॉल दे ही कि जो जो सुन रहे हैं सबसे पहले अली आफ्ताब यूट्यूब को चैनल <laughs> के नहीं तो वो क्या था? पे सबसे पहले हम ऑफलाइन शुरू हो गए थे मरियम वो ने तमकीनत का ड्रामा देखा मरियम आपको तमकीनत का ड्रामा कैसा लगा मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगा

कोई था। 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 सीन सीन मे, मे, मेरा साईं वाला कुछ आंखें <laughs> तो तो आई इतनी क्यों तुमने खोली है? What does that मैं, exactly? मुझे ये मेरा साईं वाला सीन वो ही समझ में आया जिस जो आप कहना चाह रही थी या कुछ और नहीं भाई तुम्हें तुम्हे, तुम्हे का पता ही नहीं है ना जिन लोगों को स्टोरी का पता है उनको समझ आ गई है की क्या बात कर रही हूँ मुझे भी कोई मतलब कोई मतलब कोई लड़, बंदा टकरे ठीक है ना लड़का, लड़का अच्छा तो लड़का तो लड़का, लड़का कहने लगी थी हाँ, हाँ ल, ल, चलो लड़के वाली तो अब मेरी एज नहीं रही लेकिन चलो ठीक है कह देते हैं लड़का <laughs> अच्छा मतलब ठीक है ना कोई लड़का बंदा जो भी सम सांस नब्स चलती हो बस हाँ हाँ, न, हाँ टकरे अच्छा खासा मैश मैश चले पीछे से क्या निकले अच्छा खासा कहीं पीर पीर मतलब जो है ना क्या नाम है अमीर अमीर तरीन तो मैं तो सब अमीर कुछ क्या निकले पीछे से अमीर पीर भी पीर निकले यार तुम गद्दी तो स्टोरी नहीं देखे तो खराब ना करो मुझे उसका रिव्यू कर ले दो करो 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 स्टैंड अप गर्ल रिव्यू प्रेजेंटेड बाय मरियम मरियम शबकत गुराया तो मतलब काफी अरसे के बाद रोमांस देखने का भी मजा आया टीवी पे

अजीम लोग आ रहे हैं अब पाकिस्तान एक्सपीरियंस में और पाकिस्तान एक्सपीरियंस को मेरी कमी तो महसूस हो रही होगी <laughs> शदीद जी जी अदीम अजीम सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर तो इस स्टूडियो का जो फिता है फिता है वो इन दोनों ने काटा था तमकिन इसके जो लिफाफे हैं इस रोड कास्टर के वो अली आफ्ताब ने अपने मुबारक हाथों से खोले थे वो डब्बे में खुलाई नत खुलाई मैंने और अली नहीं की थी इसकी फाड़े थे मैंने एंड सिंस देन वी हैव कम अ लॉन्ग वे मरियम आप बताएं आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में मतलब कोई इतना स्पेशल नहीं चल रहा कोई आई मूव्ड टू अ न्यू प्लेस और मतलब सेम नो नौकरी क्या दे नखरा क्या दे होई कोई इतनी कोई वो... स्पेशल बात नहीं चल रही वही आप ले स्पेशल चलो मैं यही बता देती हूँ यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज है तो मैंने जो है वो सोचा कि मैं कले कलेजी बनाती हूँ तो कले कलेजी लेके आई फिर मैंने वो बनाई फिर मुझे उसको खाते हुए शर्म भी आई फिर मैंने अम्मी से बात करती फोन पे तो मेरे मामा को कहा कि मामा मैंने आज कलेजी बनाई तो उन्होंने कहा बेटा ये तो कोई इतनी हेल्दी चीज नहीं है तो मैंने उनको तपके कहा कि मैं क्या करूँ अब फेंक दू इतने आठ नौ जोरों की कलेजी तो फिर मैंने वो बनाई फिर मैंने खाई फिर मुझे शायद शर्म क्यों नहीं हेल्दी है, है कलेजी हेल्दी है कलेजी इज हेल्दी और तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ रही है मुझे मुझे बताओ फिर मुझे लगता है कि मुझे वो आ, कलेजी खा के आयरन का था मुझे वो लगा क्या उसे कहते हैं कि झटका टीका के फिर मैंने डीप क्लीनिंग की पूरे अपार्टमेंट की हर चीज की डस्टबिन तक धो डाले तो ब्रश मार मार के तो आज का फिर मेरा यही है

तो बकरे की बकरे का कोई स्पेयर पार्ट नहीं जो मिस करने वाला हो यार कितने ए, वैसे हम लोग आजकल रिसाइकल रिसाइकल बात करते हैं हमारे जो एंसेस्टर्स हैं माशाल्लाह इस कितने में स्पेशली पंजाब में उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा कुछ नहीं छोड़ा दुमे भी तुम सुनो दुमे भी पका के खा जाते हैं जबाने भी कोई शह नहीं छोड़ते अच्छा तो वो दुम दुम होती है में देखा था मुझे पता नहीं था वो दुम बकरे की

हाँ क्योंकि यार वो बिल्कुल ही मतलब बेचारे कट्टे का हक तक जवाब मार दिया कैसे तो दूध दो पेरे होते हैं वो आप किसका हक कर यू शुमर के कट्टे का क्योंकि मैं तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में फिर खा के आई हूं बोली <laughs> चलो कोई बात नहीं यार हम पंजाबी जहां <laughs> हमने इतने लोगों का हक खा लिया वहां थोड़े से कट्टों का भी खा लिया तो क्या हुआ मतलब हद कर दिया आपने

यार देखो जब हमारे यहाँ ज्यादातर ट्रेंड यही है कि लोग मतलब उनको इकट्ठा ही पालते हैं और वो पाल के फिर वो हर्ड्स की फॉर्म में लोग बेचते हैं वहां पे तो ऐसे फार्म बहुत मतलब बहुत मतलब बड़े बड़े फार्म है ना जहाँ पे बिल्कुल ही सिर्फ और सिर्फ अफजाइश इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको बस खाना या उनको तना तना ये नहीं की यहाँ ऐसे फार्म नहीं है यहाँ भी है लेकिन पोल्ट्री में ज्यादा यहाँ पे है बाकी जो दूसरे जानवर हैं भी थोड़ा बेहतर तरीके से रखा जाता है नहीं नहीं इंडस्ट्रियल फार्मिंग उस लेवल की यहाँ पर नहीं है कि फैक्ट्री नहीं है ये गाय की गायें आई जा रही हम तो एक रिश्ता होता है मतलब गांवों में जाओ तो दुम्बों के साथ और बकरियों के साथ वो एक रिश्ता होता है खाने से पहले रिश्ता चलता है अभी जो है गायें वो उनको ए जहाज में लेकर आए हैं अली आफ्ताब आप ये लेटेस्ट न्यूज देखी होगी आपने आपकी क्या राय है पहले हमारी ऑडियंस को आगाह करें कि दुनिया का सबसे बड़ा लाइफ स्टॉक का जो रूट है वो पाकिस्तान ने जहाज में बिठाकर गायें इंपोर्ट किए हैं हाँ यार ये बड़ी ज्यादा है ये ज्यादा इस तरह से है कि वो जो ये लेके आते हैं ऑस्ट्रेलियन मजे और सारा कुछ ये ऑस्ट्रेलियन काउस ये हमारे वो उसके लिए वेदर वगैरह के लिए है नहीं अच्छा अब वो प्रॉब्लम ये होता है कि इनको यहाँ पे सस्टेन करने के लिए ये बोर करते हैं जमीन के अंदर और साफ पानी निकालते हैं उस साफ पानी से ही फजला धो हो रहे होते हैं वही स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं इनको ठंडा रखने के लिए अब वो बात ये है कि यहाँ पे इस मुल्क में कोई कानून तो है नहीं जिसका मर्जी दिल करता है बोर करके साफ पानी निकाल के जया करना शुरू कर देता है अगर उस पर मीटर लग जाए ना उस पानी पे हुँ. तो वो जो दूध की प्राइस है वो आप दूध अफोर्ड ही नहीं करते तो क्या फायदा है इसका ये जो हम कर रहे हैं और ये जो कारोबारी हजरात अपनी तरफ से ये कारोबार कर रहे हैं ये दो नंबर ही है मतलब क्योंकि ये फ्री पानी है उनके पास तो वो ये कारोबार कर पा रहे हैं वरना ये कारोबार सस्टेन ही नहीं कर सकता

वो ना उसमें इतनी, दो इतनी शेख रशीद नुमा <laughs> मतलब क्या, क्या दो, दो दो तो की जो ऑस्ट्रेलियन गाय है वो जाहिर है क्रॉस करवा करवा के वो ब्रीड ऐसी तैयार कर ली है जो कि दूध ज्यादा देती है नंबर एक चीज नंबर दो चीज ये कि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इस किस्म की एडवर्टाइजिंग की गई है कि जी वो काओ वाला जो दूध है ना वो सबसे अच्छा, वो अच्छा है अच्छा बकवास बकवास बिल्कुल दूसरी चीज एक और ये कि हमारी जो मज है ना उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है अच्छा वो तो बड़े आसानी से कंट्रोल हो सकता है उसको पानी वो में डाइल्यूट कर लें डाइटिंग कर ले। आ, फैट निकाल लो मजे की बात पता है क्या है मजे की बात ये है कि ये जो भी कंपनीज हैं जो कि आपसे अगर आपका फार्म है वो आपसे आके अगर दूध खरीदती हैं तो वो दूध खरीदती हैं फैट कंटेंट के हिसाब से यानी कि जितना फैट ज्यादा होगा वो उतने ज्यादा पैसे देंगे लेकिन जो आपको बेचते हैं वो स्किम्ड बेचते हैं क्योंकि वो सेहत के लिए जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उसमें ये एक सारा, ये इतनी बड़ी है। मतलब जाहिर है जिस तरीके से हम लोग, लोग से वैसे भी अपने घर चाहिए अपने घरों में जिस तरह से दूध हम लोगों की जो प्रैक्टिस रही है इस रीजन में दूध को पहले उबालते हैं उसको काड़ के फिर उसको ठंडा करते हैं फिर मलाई आती है मलाई को उतारते हैं वो लहदा से स्टोर करते हैं और फिर दूध पीते हैं तो उसमें वैसे ही हम फैट कंटेंट कम कौन सा होल फैट उस तरह से पी रहे होते हैं और फिर उस मलाई को इकट्ठा करके उसका मक्खन बनता है फिर लस्सी बनती है फिर देसी घी बनता है तो मतलब ये तो इतने अरसे से एक प्रैक्टिस चलती आ रही है हम लोग अभी तक घर में बनाते हैं तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि फुल फैट और ये ये कोई बाहर से हमने पहले तो इम्पोर्ट किया ये पूरी एक थॉट ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਜ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਖਾਸ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਏ ਗਰਮ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕਿਸੇ ਇਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੁੱਤੇ ਪੜਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ अपना पे र, 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 है ना अपनी मजद वहां के तो वो उनसे कहा यार दूध जरा कम पिए नहीं मैं तो कोई नहीं ना दूध पी एक एक गिलास सुबह पी ली एक दोपहर शाम मतलब तो एक, एक शा, शाम वाला दियो नहीं शाम वाला तो नहीं छू छ वो नहीं ना, औडियस, औडियस रही रही है, तो नहीं आ है भाई ये है। क्या अमूल ने स्पॉन्सर किया है इस पॉडकास्ट को क्या तुम लोगों ने दूध 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 लगाया हुआ है स्ट्रीम चला रहे हो, आज तो लोग फुल पंजाबी पॉडकास्ट दूध पीने का तरीका सिर्फ एक है और वो है डायरेक्ट धार अली ये लाइव जा रहा है ना दूध डायरेक्ट वो जो आजकल मतलब है

लेकिन अली तुम कट्टे नहीं हो ये भी अपने में रखो इंसानों में और कट्टों में फर्क जान के जियो भाई आपने कभी डायरेक्ट धार से दूध पिए कहता होगा धार है मेरे मुंह पे मारने लग गए Yeah, यार तुम लोगों की ग्रामर का बड़ा मसला है हार से दूध पीना नहीं होता हार लेना होता है आपने कभी

कुछ कुछ दिस रहा हूं पता लग रहा है मुझकी तो स्टार्ट हो रही है बंदा की तो खत्म हो रहा है <laughs> अदील भाई माइंड नहीं कीजिएगा अभी मैंने इंडियन पंजाब की एक मूवमेंट देखी थी जिसमें वो पुलिस आ जाती है तो वो भाग रहे होते हैं कि पुलिस आ गई है वो वो फील आ रही है कि पीछे आपके पुलिस लगी हुई है और आप छुपे हुए हैं यार मैं, मैं कसम अगला रोल यही है सुत्ता उठा दाढ़ी खिल रही है मैं बड़ी हैवी अफ्तारी करके सो गया था तो आप बस ये ट्यूबलाइट है मैं जाऊं क्या करूं तुम कहीं ना जाओ यहीं रहो मैं वो ड्रामा भी करने जाता हूँ तो आप ना लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमें क्रिएटिविटी का मार्जिन मिलता है लेकिन ये जी सर बक एक्टर्स का ब्लैक होल है क्या खुदा का नाम ले नहीं उस वो तो तरीका था दिल भाई का इंडस्ट्री में आने का आपने सरमद खुजर के साथ डेब्यू किया है ना दिल भाई आ, फिल्म का यस इस गल की मतलब है मैं पूछ रहा था ऐसे ही यार एक और बात भी कोई द्रामे द्रामे कोई में कोई इन्फॉर्मेशन के लिए भी पूछ सकता है यार नहीं नहीं मैं आपको पता मैं एनसी से पढ़ के आया हूँ मैं फिल्म ग्रेजुएट हूँ अली भाई बताए ना आप मेरे बारे में यार ये बिल्कुल एन से इन्होंने आला तालीम हासिल की और वो दिन और आज का दिन ये वो ज्ञान बांटते फिर रहे हैं और ज्ञान खत्म नहीं हो रहा वाह वाह मल्टीप्लाई हो रहा है। अली अमीन गंडापुर और अधिल भाई जो है ना एनसीए में क्लासमेट से अधिल भाई बात सच अली अमीन गंडापुर ने फैशन पढ़ा एनसीए से ये कहीं एक बात चली थी ट्विटर पर

मैंने, हाँ है हाँ, मैंने, भी है। मैंने भी सुना मैंने भी सुना हाथ चूमने वाला और धार वाला भी इसके अलावा इसके जो है ड्र, ड्रामा ड्रामा इज एक्सीलेंट मतलब क्या धार वाला है उसके अलावा

तो आपको बहुत मुबारक हो शहजाद द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के 200 2 लाख 200 के होने पे मैं ये जानना चाह रहा था आज इस खुशी के मौके पे कि जी मैं ऐनक लगा के कैसा लग रहा हूँ अल्लाह तो दानिश चूर दानिश चूर बहुत ही लग रहा hmm. नहीं हकीकत में नहीं आदि भाई मैं मुझे कोई मजाक भी नहीं आ रहा मैं समझ इज्जत आपकी बहुत करता हूं मैं कैसे बताऊंगी बहुत बुरे लग रहे हैं यार लेंस लेंस ले ले एना कैन प्लीज मैं कुछ कह सकती हूं हाँ 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 कहो नहीं मतलब मुंह के ऊपर एक चीज होनी चाहिए या इतने ज्यादा बाल होने चाहिए या एना को नहीं चाहिए अच्छा पता है तुम ना कुछ भी कहने से पहले इजाजत बेशक ना मांगा करो बस कह दो पहले और उसके बाद हाथ चूम लो या धार ले लो <laughs> <laughs> हाथ चूम लो बस कहने के बाद क्या ये तुम को क्या हाथ चूमने से <laughs> तुम दोनों तो अच्छी बात है यार ये तो प्यार मोहब्बत का एक तरीका है, तो तो है तो है एहतरा, शरीफ तो तो एहतरामन एहतरामन है क्यों अदील, अदील अदील अपने हाथ दिखाओ या यार हाथ एक हाथ से तो मैंने टॉर्च पकड़ी थी मोबाइल की जिससे मैंने <laughs> लाइट मारी थी ये अच्छा। <laughs> मेरा दूसरा हाथ है अदील भाई आपको अगर गलती अच्छा, से कोई लड़की ना अब मैं आपको गलती से कोई लड़की डीएम भी कर दे अदील भाई के वीडियो कॉल कर ले बात कर ले आप क्या करते हैं यार बस मैं बड़ा मजबूर हूँ मैं क्या बताऊँ तभी तो इसने बातें करनी सीखी हैं ऑडियो इज द की शक्ल पे ध्यान ही ना जाए कि बातें इसलिए तो इसने एक स्टोरिया डालनी सीखी हैं हाँ जी ना हाँ। सेट पे स्टैंड अप गर्ल के सेट पे हम लोग बैठे हुए तो सुहेल अहमद साहब थे और मैं और एक पता नहीं सीन कौन सा चला था तो अदील भी आके बैठा हम ना वेट कर रहे थे लाइटिंग का तो अदील कहता है सुहेल अहमद साहब को सर मैं एक बात कहूं लेकिन आ, आपने मेरी बेइज्जती करनी है

देखा गलत बात किया या तो टॉर्च तो बंद हो गई या तो छापा पड़ दिल गया हाँ जी कहने लगा था बट्टो में जितने भी पढ़े लिखे हुए हैं सारे सामने रंग के हुए हैं कितने हो मेरे रंग ये हाँ। देखा लोग कह रहे हैं बाबा रामदेव इज हियर दिल भाई आपके लिए <laughs> <laughs> अली आफ्ताब योर माय फेवरेट यार हार्ट

अली अली का है। नीगे। है। नीगे। तो अली का जीव जीव है। अली का पूरा नेटवर्क नेटवर्क है, है। वो वो वाला वो जो वो वो जो है है क्या उसका नाम यार अभी लेटेस्ट वाला है अच्छा शो उसके अंदर मैंने ये कह रहा था कितना हर किसी को सर सर क्यों आप लोग दोनों बोल रहे होते हो ये बस हमारा सीन ही यही है हम दो जो सबसे ज्यादा इज्जत के लायक लोग हैं दुनिया में वो जब आमने सामने बैठे होते हैं तो फिर वो एक दूसरे को इसी तरह मुखातिब करते हैं चंद चन चंद सामने आ गया वाह वा, सुनने वालों को शक हो होना शुरू हो जाता है कि इतना ज्यादा क्या इन दोनों सर, सर। का जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो लोगों को शक होता है कि यार पिछली गाल की है

टॉप ऑसम awesome, uh, यार जिस वक्त वो शूटिंग हो रही होती ना उस वक्त हम ऐसे नहीं कर रहे होते कि एक पूरी एपिसोड शूट होगी फिर दूसरी शूट होगी वो तो कभी या कभी एक सीन कर लिया कभी ये कर लिया कभी तीसरा कभी पांचवी एपिसोड में से कभी छठी में से तो ऐसे नहीं बता सकते कि टॉप फाइव एपिसोड का अपना एक्सपीरियंस कौन सा है वैसे टॉप फाइव देखने में कौन सी है तो वो अदील बताएगा मैंने सारी देखी नहीं है कि जहां मेरा रोमांस आता है वहां मुझे शम्हू आने लग जाती है फिर मैं नहीं देखती मुझे क्रिंज लगता है बहुत ज्यादा अपने आप को स्क्रीन पर देखना इसलिए मैंने ड्रामा पूरा नहीं देखा तो एडिटर को भी क्रिंज लगता था आपका स्क्रीन पे आना इसलिए उसने औरों के शॉट डाल दिए नॉनसेंस से बात नहीं है यार अपने आप को देखना अजीब नहीं लगता मुझे तो बहुत ही कैसे क्रीच आती है यार ये वैसे अजीब सी बात है कि अपने आप को देख के क्रीच आती है और फिर मैंने एक्ट्रेस मतलब

मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ शर्मा के तुम्हारा फैमिली से मसला है तुम उनके साथ बैठ नहीं सकती नहीं ऐसा भी कोई मसला नहीं है मैं उनके साथ बैठ लेती हूँ लेकिन मुझे वैसे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही एंबैरसिंग लगता है अपने आप को स्क्रीन पे ऐसे देखना स्पेशली फैमिली के साथ बैठ के हम्म अली तो अली मैं बताना मैं अली आपने जो आलू अंडे में जो मसले बताए हैं वो मुल्क में कब खत्म होंगे अली भाई एंड अदील भाई हम खत्म हो जाएंगे वो मसले नहीं खत्म होंगे ये हैं तो हैं। से हाथ रखते है। है। आप आलू अंडे की बात करें आलू अंडे के बाद जो गाना आया उसके बाद अली आफ्ताब को जो मसले बताए गए हैं वो मसले आज तक नहीं हल हुए डॉक्टर के पास तो वैसे मसले हल क्यों करने हैं मतलब मसले हल हो गए तो इस मुल्क का जवाब ही क्या रह जाएगा आ, मतलब इधर जितने लोगों की भी रोजी रोटी लगी हुई है वो चाहे हमारी मुसल्ला अफवाज है हमारे मीडिया में बैठे हुए दानिश्वर है ये हमारे विदाउट मेरिट जो मिलने वाले वो अदीब और अदाकार हैं ये सारे इसी वजह से है ना कि ये ये मुल्क बना है और ये मसाइल है इसी के ऊपर हम कॉमेडी कर लेते हैं उसी के ऊपर हम कहानियां लिख लेते हैं मसाइल हल हो गए तो आप लोग क्या करेंगे वो तो फिर बड़ी पुरसकून सी एक अच्छी बली जिंदगी होगी जो किसी को नहीं चाहिए दूसरे गाने के बाद अली को बुलाकर बीट पे उन्होंने बातें की उन्होंने बोला चल बेटा हम भी बजाएंगे धनक धनक <laughs> पहले अली ने बजाया फिर उन्होंने बजाया और दस, का दस का नोट पे दस का नोट बोला जो जो होगा इस बीट पे होगा यार याद है गाना आया था बीट पे बूटी वो हुआ फिर उसके बाद यही हुआ अली भाई आप इतने हटके क्यों हैं? क्यों हैं आप इतने हटके? यार ये दूसरी तीसरी दफा एक मैसेज आया है कि कि पहले मेरे बारे में आ रहा था कि अली भाई ने दो पैक डाउन लग रहे हैं अब है भाई के बारे में आ रहा है कि जी वो दो पैक डाउन लग रहे हैं कोई पैक नहीं है दोस्त ये देखो कुछ नहीं है बिल्कुल जो है वो ये दो अली नहीं

उनमें भी मैं काफी सीरियस उनमें भी सोबरी होती हूँ लेकिन ये पहली फिर मरियम ये भी, नीए भी, नीए भी नीए साथ साथ करती है कि हर चार लाइनों के बाद मुझे लग रहा है मरियम कहेगी ये पहली पॉडकास्ट है जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सी पॉडकास्ट में कुछ समझ में आया है कभी क्यों नहीं कुछ समझ आ रहा है कौन कोई तो हम जी जी बाबा बाबा रामदेव कुछ कहना चाहते हैं जी बाबा <laughs> मैं तो बस बता रहा हूँ मेरा तो रमजान चल रहा है मैंने पिछले कोई तीन हफ्तों से ऐसे सादा सिगरेट भी नहीं पी तो वा? मेरी तो मेरी तो जिंदगी वैसी बड़ी बोर चल रही है तालियां, भाई, तालियां। नहीं, नहीं, नहीं। ये बहुत बड़ा काम है सिगरेट नहीं छूटते और आप सब कर सकते हो जिंदगी में नहीं मैंने सिगरेट, एक बस... सिगरेट छोड़े थे जब इसने हमसे भी मिलना छोड़ दिया था आ... क्योंकि हम गंदे बच्चे हम इसे सिगरेट पिलाते तो इसने कहा नहीं यार मैं तो नहीं पी रहा मैं तो नहीं पी रहा इसने काफी ये ये स्टंट जारी रखा

और दूसरा ये है कि मतलब उसकी वो उस तरह से वो स्मेल वाला scene वाला भी नहीं होता और तीसरी बात ये है कि यू डू इट तो मैं ये क्यों लग रहा है कि ये जो लाशे हैं ये इतनी मेहनत करेंगी वो कहेंगे खसमा वो फिर सिगरेट लगा लेंगे नहीं मैं, इनको नहीं दे रही, मैं सुनने वालों को दे रही हूँ तो

तो यार आपकी पॉडकास्ट कित से कि के खुदा के लिए यार बस कर दो आप लोगों को तो इसलिए वो वीडियो भी बना के मैंने सेंड की थी यार तो बहुत अच्छा किया था, था। तुमने बहुत अच्छा किया था मैंने लगाई भी थी और वो दो ड्रामे चल रहे एक वो कबाचे का चल रहा है उसमें उसकी बहू है पंजाब से और एक मीरा सेठी है जो उर्दू बोलते बोलते बीच में एकदम से पंजाबी बोलती है शी थिंक इट्स फनी लेकिन यार मीरा सेठी को तो सेठी तो आती आती है पंजाबी उसकी मां जो बोल मोसन है उसकी उसका अब्बा नजम सेठी है हाँ तो ठीक नहीं बोलती पंजाबी वो है पंजाबी मैंने वो ड्रामा नहीं देखा लेकिन मैं मैं जहां तक मुझे मीरा सेठी का पता आई थिंक उसको पंजाबी बोलनी आती है उसको पंजाबी बोलनी आती है लेकिन

ये लेजेंड्स के पीछे पड़े रहते हैं मुझे लगा जब आपने बोला कि दो लाख आपके सब्सक्राइबर्स हो गए मुबारक हो आपकी पॉडकास्ट की वजह से दो लाख मुझे गालियां आ चुकी हैं आज भी जब मैं फेसबुक नोटिफिकेशन देखता हूं तो आपकी वो जो एक लेजेंड पे वीडियो है उस पे कुछ ना कुछ कमेंट आते हैं और अल्लाह के फजलो करम से हर दफा कोई ना कोई गाली दी हुई होती है किसी ना किसी ने ये हाँ मतलब वो मेरी भी अब मैं कोई भी पोस्ट लगाता हूँ उसके नीचे रैंडम बाबू मुझे भूलने नहीं दे रहे और चलो अच्छा है कोई नहीं अभी, अच्छा तो अभी तो एक, एक, एक बड़े तो तो लोग कभी समझ नहीं आई कि जस्ट बिकॉज संबड़ी वर्किंग वो मतलब उनको बहुत लंबा अरसा हो गया काम करते करते तो इससे ये क्यों रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो उन्होंने जितना काम किया वो सारा ही अच्छा है और ये कि अब आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते या कोई नहीं कर सकते क्योंकि ही हैज बिन वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स मतलब ये क्या लॉजिक है

आपने लोकल लैंग्वेजेस को वो जगह ही नहीं दी थी लोकल आर्टिस्ट को वो जगह ही नहीं दी थी सिवाय इसके कि वो तेईस मार्च को परेड के अंदर नाचेंगे अदरवाइज वो जो एक परसेंट का एक लिटरेचर है उसको जब आपने नाफिज किया हुआ है तो वही शक्लें बार बार रिपीट होंगी ना वही वही लेजेंड बन जाएंगे क्योंकि तो कंसिडर करती है ये स्टेट लेजेंड तो ये भी एक बड़ा अजीब सा हुआ है मतलब उसका कंपेरिजन अगर आप दुनिया के किसी काम के साथ करें तो वो शायद इतना ऊपर नहीं है जो चीज़ें अच्छी हैं जिन लोगों की अच्छी हैं वो अच्छी हैं बट अदरवाइज मैं मतलब ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग काम नहीं है हमारे लेजेंड्स का वो खैर अब मैं क्या बोलूँ बड़े पिछले दिनों से मैंने कोई कंटेंट भी नहीं बनाया मुझे इतनी तापत थी ये जितने को तमगे मिले हैं इस दफा ठीक है ना यार खुदा की कसम मैं, 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 मुझे लग रहा था बस मैं ही रह गया मैं भी अपनी गली में बाहर निकलूंगा तो शायद मुझे दो चार बंदे तमगे लगे, लगे भी मिल जाएंगे और चुप कर जा दफा हो सकता है मिल जाए तुमने जरूर बोल बोल के लालत भेजता हूँ मैंने अब लेना ही नहीं नहीं नहीं। शुकर नहीं। लान शुकर वीव़़़ा... लानत बोला मैं डर गया था बाबा रामदेव ने जब शुरू किया <laughs> नहीं नहीं अदील वो ये तमगे जो है ना सितारे वगैरह वो नहीं लेने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेना है उसके साथ दस लाख रुपए मिलते हैं ओए होए।

हाँ दो कुत्ते आपस में ही लड़ पड़े ऐसे नहीं कहना चाहिए दिल वैसे आ, अली आपके लिए एक फरमाइश आई है किसी ने बोला है कि मैं जोक आप पढ़ सकते हैं चैट में ये वाला जोक हाँ जी ये सुना देंगे क्या है ये सीने के खतूत वाला ये वो जब मैं टीवी पे नौकरी करता होता था पुराना दौर था फैक्स पे आता होता था सेंसर तो वो हम पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड करके टेपो पे भेजते थे फिर वहां से सेंसर आता था फिर सेंसर कुछ जो है वो हमें रिमूव करना पड़ता था कुछ हम सिफारिश करवा के तो डिपार्टमेंट हेड से अः उसको वो करवाते थे कि जी इसको जाने दे खैर है तो वो उसमें था एक दफा वो हमारी एंकर थी एक लड़की तो वो उसने आके शो किया वो एंकर अपने साथ कपड़े लेके आती थी वो कुछ तो हमें ही अंदाजा होता था हम कह देते थे, थे जी ये ना पहने इस पे सेंसर आ जाएगा। तो वो एक दिन एक खातून, एंकर वो, कपड़े तो वो बिल्कुल मतलब उसमें कुछ था ही नहीं से सेंसर आ गया तो वो बड़ी तश्वीश वाक्य हुई कि जी सेंसर क्यों आया तो उसमें वो सेंसर था कि सीने के खतूत नुमाए हैं जी क्या करें कटवा दें क्या करें ये उस टाइम वो अंसार अब्बासी सेंसर बोर्ड में थे उस टाइम शुरू करियर में ये कर रहे थे ये, ये एक दफा ये भी कहा गया था ना कि औरतें जब बॉलिंग करती हैं हाँ वो तो ऑरिया ने कहा था हाँ। तो बंदा तो पूछे और क्या रहे तो तो तुम वहीं देख रहे हो ना बैक एंड 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 देख रहे हो ना तू ना देख तो तुम वेमेन्स आईपीएल क्यों देख रहे, रहे हो भाई हाँ हाँ देखो हाँ वेमेन रेसलिंग देखो

और आप इमेजिन करो कि मतलब शुक्र है प्राइवेट चैनल्स आ गए और उसके बाद ये इंटरनेट आ गया और ये सारा कुछ अगर पीटीवी होता तो सुहेल सुब कभी जिंदगी में एंकर नहीं बन सकता था क्योंकि उसका काफ़ दुरुस्त नहीं था exactly. तो ये तो मेरा तो ये ख्याल है कि सिर्फ लाम दुरुस्त होना चाहिए शहर होती है <laughs> मेरा तो ख्याल है वो भी दुरुस्त नहीं होना चाहिए

वे में तो जा सकती थी मैं लेकिन चलो खैर अब तो हो गया दौड़ के, दौड़ के जर्मनी में आदिल भाई।, लगा लगा भाई तो ऐसा लग रहा है अभी बोर्ड के नीचे जा रहे हैं जर्मनी नीचे वाले इससे में छुपे हुए

रिहान का मैसेज आ रहा है वो तो मरियम वो चाहते हैं कि मरियम जर्मन बोल कर दिखाएं मरियम जर्मनी, जर्मनी में इनको तो गंदी तो गाली कर दो मरियम कोई मरियम कोई निदा यासर है <laughs> उसको बोलो कोई नहीं बोलनी जाओ छुट्टी करो कुछ तो कोई गालियां तो आती होंगी जर्मन में इतनी थोड़ी बहुत जर्मन मैंने मैंने भी एक दफा सीखने की कोशिश कोशिश की थी कुछ गुतन गुतन ताक दांते शोन कोई हिटलर की एक दो स्पीच सुना दो यार जब तुम लोगों को पता है कि मुझे नहीं इतनी सही जर्मन बोलने आती तो ये जानबूझ के तुमने ये सवाल किया ना किसने किया ये इस तो तो तो? तरह की मर्जी बोल दो हो हमने को हमको हम, को हाँ, हम तो सपोर्ट करते हैं मरियम पंजाबी भी, भी, भी तुम्हारी खराब है लेकिन हमने कभी बोला अच्छा यार पंजाबी कितनी बुरी है हमने कभी मना किया बोलो बोलो सेंटेंस है बिस्ट डम आर यू डम और यू बिस्ट डू डम

अलीस चिंग अदिल हमारे चिंगे ला रहा है अदिल भाई टॉर्च मेरे ख्याल से मुंह से हटा के कहीं और चली गई अदिल भाई ये क्या एक्सप्रेशन है अदिल भाई <laughs> अदिल भाई मेरे ख्याल से जर्मन पुलिस ने इनकी कश्ती पकड़ ली स्क्रीनशॉट लो प्लीज एक मिनट मेरे ख्याल से ज... <laughs> <स्क्रीण चौर। laughs> उन... पकड़ लिया अब डर लिया बोट पकड़ी गई है भागो <laughs> इसके बाद दिल की आवाज आनी है अम्मी कल बहुत गलत बातें है इस तरह की आप लोग बातें करते हैं ये जर्मन लगता बंदा बैठकर ढोल बजा रहे समझ है? में लोग पूछ रहे हैं शहजाद आपकी फेवरेट फाइव एपिसोड्स क्या मेरी तो कोई नहीं तमकिन आपकी फेवरेट पाकिस्तान एक्सपीरियंस एपिसोड कौन सी है अपने यार मैंने, आप नहीं।, मैंने, मैंने देखी नहीं है कि कि मैं हो यार मुझे जहां से मैंने देखना शुरू किया था ना, basically, मेरा तारुफ हुआ था ना मेरा हुआ ये भी कोई है वो थी जिसमें साइम और अलीना आए थे साइम सादिकलीना एंड आई वाज वेरी प्लेजेंटली पाकिस्तान में इस तरह की कॉन्वर्सेशन हो रही है आई थिंक पाकिस्तान में ये ट्रांस इश्यूज पे कॉन्वर्जेस जितना अलीना ने नॉर्मलाइज़ किया है क्योंकि वो जो क्लिप थी अलीना की वो सेलिब्रिटीज़ ने अपने अपने इंस्टाग्राम पे डाली वो हर जगह गई एंड आई थिंक बहुत सारे हमारे माशरे के लिए ये काफ़ी आई ओपनिंग था कि उनको पता भी नहीं था कि अच्छा हमारी सोसाइटी में रहते हैं और ये तब की बात है, कि है अलीना और साइम का लोगों को नहीं पता हाँ। था मतलब ये जॉयलैंड से बहुत पहले की बात है मुझे उनकी क्या जिंदगी है उनके माँ बाप क्या होते हैं वो बड़े होते हुए क्या गुजर रहे होते हैं ये कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही थी उस तरह like हाँ। से चीजों के तौर पे ही देखते हैं किसम है, एग्जॉटिक अली आप तो देखते हैं पॉडकास्ट आपकी कौन सी फेवरेट यार बहुत मुश्किल है टॉप फाइव करना क्योंकि इतनी ज्यादा अच्छी एपिसोड्स हैं कि आ, ये वो इसी तरह का सवाल है कि फेवरेट गाना कौन सा है और फेवरेट गजल कौन सी है वाह टॉप फाइव नहीं हो सकता पाकिस्तान एक्सपीरियंस का कोई कोई एक ही बता दो यार जो अच्छी है रैंडमली आ, यार बहुत सारी मतलब आ, मुझे राफिया वाली बहुत पसंद है आ, मुझे उजैर जितनी दफा आया है बहुत पसंद है अः मुझे आ, अमार भी एक से ज्यादा दफा आया है वो भी बहुत पसंद है लेकिन अगर आप मुझे फिर उस तरह कहो ना कि जरूर बताऊं मैं अपनी फेवरेट तो वो यूसुफ नजर किया हुँ. बहुत ही शानदार वो यूसुफ़ नजर वाली तो मैं सबको लोगों को ये कहता हूँ आपने ना हर हफ्ते देखनी आपकी है कोई फेवरेट मैं अभी अभी के लिए चली जाऊं तो कितनी देर में वापस आ सकती हूँ अहमद इकबाल वाली बहुत पसंद है अहमद इकबाल वाली तो आपने ही करवाई थी थैंक यू फॉर मेकिंग गुड एपिसोड बहुत अच्छी एपिसोड है और बहुत ज्यादा और यार मतलब किस किस के नाम ले अदील भाई जब आते हैं के निकल जाते हैं <laughs> बहुत बहुत शानदार फिर अपनी शाह वाली अच्छी है पॉडकास्ट की बात कर रहा है वो अपने घर आने की बात नहीं कर रहा ज्यादा खुश ना हो आदिल भाई ये क्या हो गया था, आपका? अभी क्या सीन था? यार वो यार... मेरा मोबाइल से कनेक्टेड है ना मेरे पास वाईफाई भी नहीं है घर पे तो अच्छा, वो इस तो वजह से वो बीच चेक... में कॉल आती है तो चेक पॉइंट से जा रहे होंगे तो वो कश्ती में लाइटें बंद कर देते होंगे ना नीचे <laughs> यार मुझे असल में कभी इतनी जरूरत नहीं पड़ी कोई ये हाँ महंगा फोन महंगा लैपटॉप बेहतर इंटरनेट ये सब चीजें दुनिया में है <laughs> फिर यार रफी उल्ला काकड़ वाली कितनी अच्छी थी मतलब मुझे सॉरी रह रहे कि याद आ रही है अब उस तरह से रिकॉल इकट्ठा करना मुश्किल होता है लेकिन कमाल एपिसोड्स हैं यार यार वो दूसरा रसी, वाला जो था भी तो तो अच्छी थी काकड़ को सुनकर मैं तो मैं सोचता हूं ना कि पॉडकास्ट करना छोड़ दू इतना अकलमंद आदमी वो बोलना शुरू करता है और वो उसके इतने इनसाइट एंड जस्ट गॉट कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप रफी भाई कॉन्ग्रेचुलेन ही यार्ट टू अ मैन यार और फिर हैंडसम भी है तो प्राइम मिनिस्टर का चांस उनका भी होना चाहिए मैं तो कहती हूँ नहीं। नहीं नहीं। आपसे सवाल है और काकड़ में दो होते हैं ये क्यों होता है अदिल भाई? यार ये पठानो ने मशहूर किया कोकड़ो के बारे में कहते हैं असल में काकड़ पठानो की जो बलोचिस्तान के काकड़ है ये एक तो सबसे बड़ी कास्ट है और ये अलहमदुल्ला हर जगह पाए जाते हैं मतलब ये इलाके वाइज भी प्रोफेशन वाइज भी और भी बड़ी है।, ये भी है, प्रोग्रेसिव भी है तबलीजी भी हैं जहादी भी हैं आप कहीं भी जाएंगे पठानों के जट है सो बाकी इनसे जेलस होते हैं। तो है तो वो कहते हैं कि काफर में दो काफ होते आ, काफर में एक काफ होता है लेकिन काकड़ में दो तो ये अनवारोला काकर तो तकरीबन था वैसे ऐसा ही पे तो सादिक आता था उस पर बिल्कुल साधक आता था और लेकिन वैसे ओवर और काकर अच्छी मजेदार मजेदार कौन अच्छा फिर खुरम हुसैन वाली भी बहुत अच्छी थी चलो उसका और पार्ट अली ऐसे आना चाहिए यार स्लो है क्या और <laughs> मैं है ना सॉरी मतलब मुझे मैं कई चीजें हैं जिनसे मैं मतलब मुझे लगता है कि वो अपने आप को जो है ना रोक लेते हैं और खुल के बात नहीं करते लेकिन फिर भी जब आतिफ मियाँ भी आते हैं तो बड़ा मजा आता है मुझे लगता है अब ना गेस्ट को भी पता है कि अगर खुल के बात करनी है तो शिजात की पॉडकास्ट पे चले जाते लोगों को लगता है कि ये उठाया जाए कोई टेंशन नहीं मतलब नॉर्मल भी जो गेस्ट होते हैं ना जो औरों की पॉडकास्ट पे जाते हैं महजब तरीके से बात करते हैं वो फॉर सम रीजन पॉडकास्ट बाकी फट ही जाते हैं क्लियर ही हो जाते हैं डायरेक्ट ही हो जाते हैं कि हाँ यहाँ तो सब बोल देना है तो बस अ... अल्लाह मालिक है हमारा नेक्स्ट तुमने जो है ना वो मरियम नवाज को बुलाना है और मरीम नवाज को बुला के ये पूछना है कि आप जब कहीं भी जाती हैं तो आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपसे पहले कैमरा गया होता है और वो कैमरा वहां पहले से फिक्स हुआ होता है और आप फिर एकदम से हैरान हो कि वो ही किसका घर है मैं अंदर आ जाऊँ

नहीं वो, वो मरियम की कोई तो तो मजेदार पॉलिसी तो नहीं है सोशल मीडिया को अभी तक नॉट इम्प्रेसिव हालांकि मैंने सुना था कि बहुत पैसा खर्च कर रही है लेकिन पता नहीं किन पे कर रही है ये सारे हम ये भी की, की तरफ तो से एक खर्च ये अदील की तरफ से एक एप्लीकेशन भी है कि अगर आपने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी को रिवैम्प करना है तो इस तरफ जो है ना इन लोगों को हायर किया जाए ये आपको पूरी एक जो है ना वो पॉलिसी बना के देंगे लेकिन मैं सीरियसली कही थी कि मरियम नवाज को तुम्हें बुलाना चाहिए आ, अपनी पॉडकास्ट पे शिबाज चाजू को तो तुमने बुलाया नहीं उनका तो आते आते वो रह गए लेकिन ये जरूर होना चाहिए अली आपको अगर दे दी जाए पी की सोशल मीडिया पॉलिसी आप क्या करेंगे अली बेड़ा गर्क कर देगा अली उनका टोटली नास बम चला देगा अंदर जो कुछ गया वो भी बर्बाद कर देगा अली अपने बम पार पार जाएगा अली करेगा देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि इनके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है हमें मुझे अदील को हायर कर ले क्योंकि और इस बात से ना घबराएं कि हम बेड़ा कर देंगे इससे ज्यादा बेड़ा कर उनका हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता बॉटम पे हैं हम उनको बेहतर ही कर सकते हैं खराब नहीं कर सकते सेम गोज फॉर एवरी वन एल्स मतलब ये नया <laughs> के अलावा जितने पुराने हैं ना इनको अब अगर कोई बचा सकता है तो वो मैं और अदील है हाँ मतलब कुछ तो नया हम कुछ हम क्या ही कर लेंगे इससे ज्यादा तबाही फेर देंगे जो इन्होंने खुद अपनी फेरी लिए <laughs> या देखो रॉक बॉटम के बाद तो फिर उसके आगे तो कुछ भी नहीं है ना वो फिर आपने ऊपर ही जाना होता है आप एक दफा नीचे लगते हैं तो फिर आप ऊपर ही जाते हैं लेकिन जो भी इश्तेहारा कर उसमें पता है है ना आपने खातून का किरदार किससे करवाना है। उसमें जो जर्नलिस्ट भी हैं इन्होंने जो पीटीआई की सोशल मीडिया पॉलिसी रेप्लिकेट करने की कोशिश की है वो जर्नलिस्ट वगैरह भी सोचते हैं कि भाई उनकी गालियां तो खा लेते थे कि चलो यार पैसा आएगा हैंडसम भी है ठीक है वो गाली तू किस बात से जर्नलिस्ट को दे तू तो निकलना यहाँ से पीएम <ख़ाँगा> की तो कोई गालियां भी नहीं खा रहे <ख़ाँगा> मतलब मजा नहीं है ना कोई

शिराजी ने भी शहबाज शरीफ को अपने थंबनेल में नहीं डाला तो कौन को से कोई क्लिक वो जो बच्चा है उसने बोला मैं ब्राइम में प्राइम रहा मुझसे मिलना चाहता था थंबनेल में भी शबाश शरीफ <laughs> यार वो तो शहबाज शरीफ की अपनी वो तो अपनी पिला के लिए उन्होंने उस बच्चे को बुलाया था ना उस बच्चे को तो शहबाज तो शरीफ की शहबाज शरीफ को उस बच्चे की जरूरत है

अच्छा बड़ी हैरत की है, बात है उन्होंने आज तक कभी किसी बच्चे बड़े का कोई लिहाज तो नहीं किया आ, यार नहीं, without discrimination कर को सिर्फ शिराजी ही ही है वो 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 दोनों बहुत बहुत हैं हैं मुस्कान और प्यारे बच्चे माशाल्लाह वाला बच्चा अच्छा अदिल भाई अभी वकास आए हुए थे पॉडकास्ट पे जिससे पहले आप पे छापा पड़ा है उससे पहले आपसे पूछना चाह रहा था तो वो के इश्यूज डिस्कस कर रहे थे तो किसी कमेंट ने बोला एवं पंजाबियों पे कि सब तुम लोग जो मसले होते हैं तुम लोग रहते यहाँ पर हो सारे जो बलोच है रहते पंजाब में फिर कहते हैं सारा मसला पंजाब है इस कॉमेंट पे आप कुछ कहना चाहेंगे अगर सारे बलोच पंजाब में रहते हैं तो बलोचिस्तान में कौन रहता है पाक फौज यस बलोचि नहीं बलो इसमें कोई शक नहीं कि बलोचों की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ना वो पंजाब में रहती है तकरीबन दो से ढाई करोड़ बलोच जो है वो साउथ पंजाब में रहता है उसके बाद सिंध में है उसके बाद बलोचों की जो आबादी है ना वो बलोचिस्तान में लेकिन जो बलोचिस्तान के बलोच है ना वो सिंध और साउथ पंजाब के बलोचों को बलोची नहीं मानते वो कहते हैं जो नजरियाती तौर पर हमारे साथ नहीं है वो बलोची है भले उसकी कास्ट जो भी हो तो ये भी एक चीज है लेकिन किसी हद हाँ तक जो है ना अब मुझे खुद पर्सनली बहुत सालों से ये फील हो रहा है कि जब आप किसी एक को विलन बना के प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं कि अब सब ने बता दिया है और पंजाब की ही विलन है, ही विलन है। तो आई थिंक वो ग्राउंड की बहुत सारी चीजों से जो है ना वो नजरें चुराना है अभी ये जो बलोचिस्तान के लोगों ने सारा मैंडेट चुराया है जो भी इस वक्त इलेक्टेड मेंबर्स बैठे हैं असेंबली में और गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पा रहे वजीर अला कैप्टेट नहीं बन पा रही तो इनको पता है ना कि ये इनको कौन लेकर आया सरफराज गुप्ती को सीएम किसने बनाया है सबको पता है सरफराज गुप्ती तो बलोच है ना अब वो मसला ये है कि वो जी पंजाब को गाली दे देंगे पंजाबी को गाली दे देंगे ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मौलाना फजल रहमान जब वो उठा अमरीका को गाली दे देता है लेकिन उससे यहाँ पे रह के किसी की मजम्मत नहीं होती अपने ग्राउंड पे रह के किसी के बारे में बात नहीं होती साहिल दीन जो है के फलस्तीन के बारे में बात करते थे उसको पता है कि पाकिस्तान में कितना आसान है इसराइल के बारे में बात करना लेकिन टीएलपी को वो पहचानने से भी जो है ना वो मुमकिन हो जाता है तो ये भी वही वाली बात है कि बलोचिस्तान में रह के आप आज मैंने उसकी वो उसी पॉडकास्ट एक पोस्ट किया जिसमें नेस्ले नेस्ले कंपनी के साथ काम करने में कोई मसला है यार आई वाज सो सरप्राइज क्योंकि ये को और इन सबसे पहले का लोगों को नेस्ले का पता है कि नेस्ले हैज बीन सच अ प्रॉब्लमैटिक कंपनी लाइक सिंस फॉरएवर ये तो कोई आज से 10 साल पहले का लोगों को पता चल चुका है आई डोंट नो खैर बोला मैं सोच रहा था बट मुझे वैसे अगर नेस्ले का ऐड ऑफर हो मैं तो वैसे कर लूंगा तुम तो आप मना करेंगे मैं मैंने नहीं किया

ये अब एड्स की बात कर रहे हैं या किसी और बात कर रहे हैं कुछ वहाँ पे भी यही सीन है दोनों की बात कर गालियां गलवा लेता करता मैं कुछ नहीं बेचारा वो वो जो एक मीम भी नहीं है मैं कहता नहीं हूँ करके दिखाता हूँ करता भी नहीं हूं। <laughs> वो गालियां भी खाता है और सौ गंडे भी खादा है तो सौ जुतियां भी खाना है वो सीन है वैसे मुझे वैसे अच्छा काम करने से कोई मसला नहीं है वो चाहे कोई भी करवा

माफ कर दीजिए मुझे बट लॉन्ग के जब लॉन्डे है ना अपने तरफ से बहुत अंग्रेज बनने के लिए अराफत मजर एक दफा मुझे लाहौर में मैं कुछ कुछ कवर करने गई तो वहां पे पता नहीं वो पता नहीं बी के थे वहां पे बैठे हुए तो मेरा नाम शफकत को पता उसने कैसे स्पेल किया एस एच ए एफ के ए टी मरियम सफकात आई वाज लाइक तो यार जो लोग लाहौर को लोहर कहते हैं तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ हम लोहर में फिर रहे हैं इचुरा बाज़ार में मतलब मुझे की समझ नहीं आई पूरी जिंदगी लाहौर में रहने के बाद लोगों का ये मिड वेस्टर्न एक्सेंट कहाँ से आ जाता है मतलब अच्छी वाली मैंने बच्चियां देखी हैं वो एकदम बीच में से वो कोई और ही मतलब वो गोलो गोरों कालों का ऑस्ट्रेलिया कनाडा सारा कुछ मिक्स करके एकदम कोई एक्सीडेंट एक्सटेंट निकाल ये मुझे जर्मनी में आके एहसास हुआ कि हम लोग अमेरिकन कल्चर से कितने शदीद इन्फ्लुएंस है इन, आ, मतलब यहाँ पे ना उस तरह के बर्गर मिलते हैं ना उस तरह के खाने मिलते हैं वैसे तो यहाँ का फूड सीन और डेड है लेकिन इस तरह के खाने शाने भी नहीं मिलते हैं। और वैलेंटाइन डे जब आया तो मैंने कहा कि अब ये सारे घूम रहे होंगे क्या उसे कहते हैं वो जो भी लेके।, बारे, बारे लेके तो मतलब एक बारे। बंदी मुझे नजर ना आई एक बंदा और एक बंदी मुझे नजर ना आई रात के कोई मेरे ख्याल कोई ग्यारह बजे मुझे कोई एक मरा मरा हुआ कहीं मुझे उबारा कहीं नजर आया लाइक like हम लोग ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं ये लोग सारे के सारे विच इज इंटरेस्टिंग ये मोहब्बत करने वाली कॉम है ये तो अली आस्किंग पागल अली, अली आफताब का साइन क्या है कोई कह रहे हैं अली आफताब का साइन माल ब्रो है <laughs> <laughs> क्या साइन है अली आपका अली का और मेरा एक ही साइन है वर्गो कौन से महीने का होता है अगस्त अगस्त का एंड और सितंबर का शुरू सितंबर का भी अगस्त और सितंबर का वो करके अच्छा वैसे मुझे वर्गोशु में तो कुछ नहीं पता लेकिन मैंने आज ना पिछले दिनों जब मैं फारिग थी तो मैंने ना वो पढ़नी मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़ी सी मैंने इंटरेस्ट लेके तो मैंने कुछ पढ़ना शुरू <laughs> किया तो काफी कुछ तो एक मुझे पता चला कि ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन में जो है ना वो दुनिया बदल मतलब बदल ली जाएगी मतलब बहुत मेजर इवेंट्स होंगे तो मैं भी कर रही हूँ

प्राइवेट प्लेन में मुझे लगा कि मैं बैठूंगा बहुत कूल होगा वो भी एक शो करने गया था मैं जो तमगीना आप कह रही थी ना कि पॉडकास्ट से, थे, से पहले ये भी नहीं होता जहाज पे उन्होंने मुझे बोला यार हम आपको जहाज पे लेके जाएंगे अब मसला प्लेन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ वो जो छोटे जहाज होते हैं वो लिटरली बस जितना जहाज और वो सिर्फ हिलता जा रहा है वो इतनी टर्बुलेंस कि मेरे आंसू मैंने बोला खुदा के वास्ते चोड़ा, तो, चोड़ा मैं घर मैं एमसी हूं जो इसमें आया हूं तो मैं भी एक चीज सोच रहा था शहजाद अगले तेरे एपिसोड्स के लिए कि अगर किसी दिन किसी ऐसे गेस्ट ने आना हो जिस पे तुझे लग रहा हो कि ये बंदा बहुत फजूल में संजीदा गुफ्तगू करेगा तो तू हिटलर वाली मूछे रख के बैठ जा उसके सामने तो नहीं ना थे भाई क्यों भाई ऑलरेडी <laughs> लोग इतने मरियम, मेरे से नाराज और मध्यम से कुछ जर, जर्म, जर्मनी कुछ जर्मन में कुछ वो जुमले सीख लो बीच बीच में वो बोलना शुरू कर देना सीखो भी किससे आउट ऑफ ऑल द पीपल मेरे से सीख लो मेरे से जिसको खुद नहीं यार अगले ना क्या पता लगना है तू तो कुछ भी बोल दे सानू की पता लगेगा तू की कह रही है यार मुझे यही आता है फिक डिक फक यू एक <laughs> दिख रोहित शर्मा कह रहे हैं ज़्यावला एक साठ एंड सीवन थर्टी अच्छा वो वाला जहाज़ है सीवन थर्टी गुटन टाक क्या था पता नहीं इस तरह कोई अजीबो अजीब लग बन दिख रहे हाँ चूस चूसी कोई कह रहे अली भाई प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी वारिस बेग यार <laughs> कल, कल शब, शब देखा, देखा। दे बारिश में एक मुझे पता है कहाँ रहता होता है क्यों होता है क्यों हाँ होता, होता है होता उसका है में देख लिया था जाकर उसके, उसके घर का बता दू मैं नहीं यार वो लाहौर में वो जो है ना गैरिजन एकेडमी फॉर गर्ल्स उसके साथ उसका घर तो तो क्यों है तो आस बता पास रहे हो सबको कि वो कहा रहता है यार मैं जाना मरियम डॉक्सिंग वाली तो पे ऑल द पाकिस्तान एक्सपीरियंस कल पता चला मैंने कहा रेलिवेंट हो जाएगा वो भी बेचारा

33 नहीं 2003 में आया था तो नहीं, 20 साल हो रेली? नहीं नहीं 90 कल में आया होगा कल जब देखा मैंने चांद नहीं नहीं 90s में था 90s में 97 98 यस yes. अच्छा अली भाई बाई 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 की बहुत अच्छी एडवाइस मिली है कह रहे हैं अली भाई आई आल्सो गिव अप सिगरेट्स व्हेन आई स्टार्टेड क्रैक तो यू शुड डू

मरियम की लड़ाई झगड़े बंद करने के लिए अपने घर वालों के लिए भी पुड़िया मंगवाए उनको पिलाए और सब लड़ाई झगड़ों से निजात हासिल करें या, उसे या। लड़ाई बारी निजात बारी है। मुझे बताओ ये जो लाइव है ये बाद में यूट्यूब रखोगे तो नहीं ना ये, ये रखी भाई? जाएगी क्यूँ नहीं रखी जाएगी भाई कुछ आप ऐसा कहना चाहते है जो आप चाहते हैं जिसका ना हो नहीं ठीक है मैं

A a गैंग वो रहे, पता है। चला बच्चा भी बीस साल का नहीं हुआ वो तीसरा करना पड़ जाएगा भाई वहां पर जाए। अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन जो है वो उनकी वी एच एस जो है वो हमारे सबके घरों में होती थी जिसके जिसने भी बी सी आर खरीदना होता था वो सात तीन चार फिल्में अमिताभ की जरूर लेता था शाहरुख खान आमिर खान सलमान खान ये हमारे हाउस होल्ड नेम है हम मतलब बिल्कुल वो हमारे लिए उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तानी कोई लोग हो, इंडियन नहीं है वो लेकिन बिल्कुल हमारे है इसके बावजूद जिस तरह से सिद्धू वाला पाकिस्तान में पेनेट्रेट हुआ है ना मतलब ट्रकों के पीछे रिक्शों के पीछे पोस्टर और तस्वीरें मैंने नहीं देखी किसी की आ, किसी इंडियन की ये कमाल है ये तो इसकी ममता तुल करने की होती थी ट्रकों के पीछे वैसे अगर तुम्हें याद हो वो ट्रकों ट्रकों के अंदर होती थी वो नहीं नहीं, नहीं से पीछे से भी पीछे भी वो हुई होती थी अली तुम्हें याद है ममता कुल करने की तस्वीरें पेंट हुई होती थी ट्रकों के पीछे इसमें ये भी हो सकता है यार अगर भी अवमी है वो भी हर जगह लगी होती है उसका कौन ਨੇ ਬਸ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ وجہ سے ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸकी ਜਿੱਤਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ وجہ سے ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਪੇਂਟ ਵਾਲਾ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਮਮਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਲੈ मम्मी तो मेरा काम है हर जगह चलने मारना यार yeah, अब क्या मे बी अदील भाई और अली आप लोग बताएं इतफाक करें या इस्तेलाफ करें क्या ये इस बात की गवाही देता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ कि मैं जब अब इन हीरोइनों का सोचता हूँ ऐश्वर्या प्रीति जिंटा आई एम लाइक आज कल कोई इनके सामने कुछ है मतलब नाइन्टीज में जो लोग सुपर फेमस भी नहीं थे देर ऑल लाइक गॉर्जस ब्यूटिफुल मतलब इस वक्त उर्मिला माटोरकर नो बडी वो कोई इंडस्ट्री में भी नहीं है लेकिन वो एक लेजेंड थी अपने टाइम की अब वो नई लड़कियों हाँ एक तो ये भी है कि कि है, जवानी क्योंके... की चीजें लोगों को वैसे ज्यादा मतलब जब आप लड़कपन में होते हो तो आपको लेकिन आई थिंक इसका एक वो भी है कि जैसे देखो उर्मिला माटूनकर वो मोर ऑफ अक्स सिंबल एट दैट टाइम क्योंकि तब बाकी जो थी वो इस तरह के उनके आइटम नंबर और स्किम्पी ड्रेसेस बहुत ज्यादा नहीं होते थे अब तो खैर हर दूसरी हीरोइन का ही वही वाला सीन हो गया तो वो कोई स्पेशल नहीं रहा वो एक स्पेसिफिक काइंड आप कंपेयर कर सकते हो उर्मिला को फ्रॉम लाइक नूरा फतेही और सम यू कांट राइट कैसे वही ना क्योंकि तब इट वाज एग्जॉटिक तब कोई कोई ऐसे जैसे हेलेन थी फिर उसके बाद कोई और है यार बट तब की, की ना के के उर्मिला का सिर्फ ये सीन नहीं है उसके कपड़े छोटे थे मतलब क्या हो गया यार एक और चीज भी है कि वो मैं मतलब वो कोई सब कोई रिसर्च मैं पढ़ रही थी कि जो यूनिक फीचर है ना फेस के जिनको टिपिकली हम समझते हैं whatever, वो तो ये सारे जो है वो उसको वो ऑल्टर ठीक हैं उनको की और वो यूनिकनेस है ना वो वो exactly. है। ये भी क्योंकि अच्छा रोल है क्योंकि कौन सी क्या है

In my book। Oh yes, yes। पहले यार होती भी काम थी ना अब होती भी ज्यादा है अब इंडस्ट्री बड़ी हो गई है ना पहले आप सबको इसलिए भी पहचानते थे क्योंकि थी कम अब ज्यादा हो गई है वरना अभी भी मतलब दीशा पटानी जो है वो मतलब गेम है उसकी

ये आप हाँ। कौन सा अदील, अकील करीम डैडी को फोन करके दे रहे हैं no आपको याद है चार साल पहले हमने अली का कितना था जब ओ, तुम लोगों को नहीं पता वो सोनम बाजवा का सीन है हम सोनम बाजवा नाम बताऊन बाजवा अब आप मानते हैं ना हम अली की दूरंदेशी को किसने कब सोनम बाजवा को पहचाना अली की चॉइस बकवास है लेकिन अली के हाथ में अली की नजर में बर

वो आप वो फिर भी बात है ना किसी से आप फिजिकली बहुत अट्रैक्शन महसूस करते हो किस चीज से आपका कोई गुफ्तगु करने का दिल करता है, है वो है पैकेज मतलब तो सारा अली खान से जब आपकी पहली दफा मुलाकात हो ना तो वो आप यहाँ बैठे हो वो सामने बैठी है और बीच में एक मौलवी है जो निकाह पड़ा रहा है वो निकाह है सीधा वो इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है क्योंकि वो आप देखो कि एक तो रॉयल्टी तुम्हारी फैंटेसीज भी कितनी थकी हुई है अली प्लीज अली वो उसको देख के ऐसे बेटी बेटी वाला एहसास आता है जो छोटी बहन वाला मैं फिर कहूंगी तुम्हें तो हया ना आई तुम ये दूसरा थोड़ा प्रेडिट को हाँ। कुछ उस तरफ जा रहे हो थोड़ा हाँ। और तो थोड़ा तुम्हें तुम्हें सैफ तुम्हें सैफ तैमूर का बेबी सिटर ना रखे तुम डायरेक्ट जारा अली खान से निकाह

दूसरी चीज आपने कहा लड़की चीज़ है, 18 साल से ऊपर है जी दूसरी दूसरी चीज ये है कि उसका आपने देखा है कि वो राइम करने की कोशिश करती है ठीक है अच्छा इसका मतलब है कि वो उसके क्रिएटिव साइड भी चलती है हाँ। मतलब वो अच्छा और रहे शुरू कर बेबी शार्क क्या सुना दिया अली ने बोला शायर शायरी भी है तीसरी चीज आप उसकी देखो कि वो जो है ना बैठ के जब भी किसी भी आप उसको टॉक शो में बैठा देखोगे तो वो बहुत कोशिश करती है एंटरटेन करने की अमूमन वो अमूमन जो खूबसूरत खुतिन मतलब फिर भी बात है सारी मतलब खूबसूरत होती है मतलब वो तो बड़ी सब्जेक्टिव बात है खूबसूरती की लेकिन जो अमूमन जब किसी को एहसास होता है कि वो खूबसूरत है तो वो

कुछ मॉडलिंग की तस्वीरें आई है जिसके अंदर ना उसकी लिटरली मैं कहीं से ढूंढ के इस तरह की शक्ल है मतलब उसने अपना गला कुछ उबर करने की कोशिश की है और अपनी आंखें थोड़ी खोलने की कोशिश की हुई है तो मतलब वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो कोई उसने ना मतलब कोई एक दाम से उसने कोक चढ़ाई है और उसके बाद फिर उसको पता नहीं लगा उसके बाद उसने काटती पांचवा पॉइंट ये था भाई वो कोक भी उसके साथ आप बैठ के कर सकते हो नवाज

बात तो करके देखो <laughs> उसकी ठीक होती चली जा रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी अच्छी तो 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 माँ एक बंबू औरत ये उसकी सबसे अच्छी बात है भाई उसमें आप ये देखो आप उसके साथ मतलब आप रहते हो दिन है? के दो घंटे तो आप सिर्फ उसकी दादी की बात करो भाई शर्मिला टैगोर से ऊपर कौन आया है अच्छा अब मुझे समझ आई है ये, ये सारा अली खान के थ्रू शर्मिला तक जाना हाँ अब ठीक है अब, अब मैं मुझे समझ में आया कि अली गुड लुकिंग भी है गाना भी गाता है इंटरटेनिंग भी है

और अली रियलिस्ट आदमी है उसने सोचा चांस तो कहीं भी नहीं है चलो ये मुसलमान है निकाह की बात की जा सकती है <laughs> अली ने कहा इनमें से सिर्फ यही ऐसी है जो शायद फंस जाए मेरे साथ क्योंकि हाँ। तो ये तो बिचारी बिल्कुल कोशिश वाट करती है एंटरटेन करने है तो पटौदी फैमिली इधर भी है इनसे रिश्ता डाला जा सकता है और वैसे आप लोग एक पॉइंट मिस कर रहे हैं उनकी फैमिली में एज डिफरेंस मैटर नहीं करता माशाल्लाह

ही वॉज नॉट एट ऑल गुड अमंग खान दर्स्ट जो कोई सिंगल अपने फेज पे फिल्म भी नहीं चला सकता था यान so, तो उसको कभी मिली नहीं थी इस तरह की फिल्म हाँ, मिली।, मिली तो सारा को भी मिल जाएगी ना

जो, मेरा जो प्रस्पेक्टिव है ना ये जितने भी ये खान और ये वो ये वो इन इनका जो है ना वो इनके जो रीसेंट रि, बॉडी ऑफ वर्क है ना आफ्टर टू थाउजेंड था। फाइव जब साढ़े घर टीवी खुलिया उसके उसके के बाद क्या तो उसके बाद का तो मतलब मुझे, मुझे जो सबसे अच्छी जिसकी एक्टिंग लगती है जिसकी सबसे वो इसी की लगती है इसी का ही काम देखने वाला है उसके उससे पहले तो शाहरुख खान की तो मुझे आज तक स्टार वैल्यू की समझ कोई नहीं आई देखो तब जो फिल्में बनती थी ना जब हम बचपन में देखते थे, थे वो फिल्में बहुत ज्यादा एक्टिंग ओरिएंटेड नहीं होती थी उसमें वो रोल एक सेट होते थे वो पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों की इतना वही गंडासा और वही एक चलता था मतलब उनका और तरह का था हमारे यहाँ और तरह का था लेकिन आपने एक ही किस्म की एक्टिंग करनी होती थी एक हीरो है वो एक ही तरह की एक्टिंग कर रहा है एक हीरोइन है वो ऑलमोस्ट एक ही तरह की कर रही है स्टोरी लाइन भी तकरीबन मिलती जुलती होती थी तो उसके अंदर अब जो एक्टिंग वाला म्यार है ना अगर उसमें अगर आप इन लोगों को कंपेयर करो क्योंकि अब बहुत ज्यादा रियलिस्टिक uh, और एक्टर ओरिएंटेड चीजें बनती हैं तो उसमें आप देख लें कि कौन जो है वो चल रहा है और कौन नहीं चल रहा तो ये भी सल... बहुत फर्क होता है एक स्टार नहीं, होने नहीं हो अच्छा एक्टर होने में फर्क होता है पुरानी फिल्मों में संजय दत्त संजय दत्त होता था सैफ अली खान सैफ अली खान होता था सलमान अक्षय कुमार होता था सलमान खान सलमान खान होता था एक्टिंग क्या होती है वो तो सब वही थे और मतलब आपने आमिर खान को मेले में मेला मूवी देखी है अदिल भाई आपने बहुत ही यस फिल्म थी अगर आप मेला देखी नहीं देखना जा आप बोले ये आमिर खान कभी जिंदगी में एक्टर बन ही नहीं ये आदमी वो उसने अपने भाई के लिए की थी यार बेचारे के लिए वो बस कर लेता इंसान फैमिली की भी कुछ इश्यूज होते हैं

यार अक्षय कुमार की स्टोरी सुन लेने कहा था कि मैं इसको पहले कहता था शादी कर लो तो ये कहती इसने कहा कि अच्छा मेरी मेला फिल्म आ रही है वो बड़ी जबरदस्त फिल्म है अगर वो ना चली तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी ये अक्षय कुमार ने कोई मुझे लगता है मंत्र जंतर आ, किया उसकी फिल्म ना चली फिर उन्होंने उससे शादी कर ली उसने खुद सुनाया था ये वाक्य फिल्म में सबसे अच्छी एक्टिंग गुज्जर की थी उसके इतने बड़े बड़े है ब्लैक ठीक अगर आपने वो सुना जो मैंने सुना यार बस एक बात है ट्विंकल करना थी हॉट लेकिन जो ट्विंकल करना की माँ थी ना हॉट और अभी तक है डिम्पल कपाड़िया उफ तोड़ दिया सांचा बना के उफ नेक्स्ट लेवल हॉटनेस यार ट्विंकल मतलब... करना मतलब ठीक है हॉट है लेकिन जब मतलब उसके जितने भी अभी मैंने इंटरव्यू सुने ना उसके अंदर वो उसने दो बातें कहनी होती है दो तीन या मेन चीजें कि यू नो इन ऑफ मतलब मैं तो अनलाइक अदर बॉलीवुड

दो तीन दफा किसी के साथ तो मैंने कहा कि मतलब ट्विंकल है अगर ना तुम वाहिद इतनी है जो करण जौहर को पसंद आई है लेकिन यार ट्विंकल खन्ना की माँ डिंपल का पार्ट उफ अबे ये कौन बुड्ढो के साथ में आया वो जो लड़की का नाम लो अबे उसकी माँ चेक करो अबे उसकी दादी चेक डिम्पल करो का पार्ट दिया था बताओ अपने अबे बताओ खुदा की कसम किन बुड्ढो के साथ बैठो दो ना एक पास आप ना चुव... यार वो सागर जैसी आंखों वाली छुओ छुओ ना देखो छुओ ना छुओ ना छुओ ना नहीं नहीं मैं अली जब सारा की, की भी बात कर रहा था ना अली जब सारा की भी बात कर रहा था आप लोग समझे नहीं थे वो मतलब सारे अपने बचपन के क्रश नॉस्टैल्जिया और जो डीएनए में आ रहा है ना शर्मिला टैगोर से लेके और उसके बाद अमरता सिंह और फिर सारा अली खान और बीच में हो सकता है यार उसकी माँ पे कोई कम गाने अच्छे पिक्चराइज हुए वो वाला सूरत तो मैं वो भी कह रहा हूँ बाहर, है, बाहर भी तूफान अंदर भी तूफान जाने कहा होंगे आए हाय हाय जहा होंगे वहा फरियाद करेंगे तुझे याद करेंगे She was beautiful. ये रहा तो वो वाला अली... भी वो वो वाला वाला जो गाना था आ, वो वाला बादल जब गरजता है डर कुछ ऐसा लगता है चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी आय हाय बाहर भी तूफान अंदर भी तूफान अंदर भी तूफान दो तूफानों के ये शीशे का मकान अब कुछ भी हो सकता है डुण डुण, डुण 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 डुण। अब कुछ भी हो सकता है डर कुछ ऐसा लगता है गरज गरज के बरस के बिजली हम पे गिर जाएगी यार क्या गाने थे वाह वाह यार वाह फरमाइशी प्रोग्राम तो किसी ने कहे अली आफ्ताब कुमार सानू भी हो जाए एक मुझे मुझे एक तो नाम नहीं याद रहते कि पत्नी किसकी थ्योरी है कि जितना भी एब्सोल्युटली एक्सीलेंट म्यूजिकल क्रिएटिव वर्क था ना वो सेवेंटीज uh, और सिक्सटीज और एटीज में हो चुका है उसके बाद कुछ नहीं हुआ कोई लड़का है चैट में हसन प्लीज आप ये लाइव स्ट्रीम बंद करें और अपनी उम्र आपने दिखा दी है वो कह रहा है खुशी कपूर इज हॉट आई थिंक आप आप कोई चौदह पंद्रह साल के लड़के हैं आप जेन जी हैं हम बुडो की चैट में आप क्या कर रहे हैं खुशी कपूर वो कपूर है ना कपूर की बेटी श्रीदेवी की जो छोटी वाली बेटी है।, या, या, वा... है क्या नाम है उसका कौन सी कपूर है आई लाइक प्यारी सब प्यारे ये वो देखो श्रीदेवी वाज अ प्रेजेंस वाज श्रीदेवी बहुत खूबसूरत है खुशी कपूर जानवी कपूर इज जस्ट अ वेरी लाइक जेनेरिक एलए

कोई बात नहीं मतलब बच्ची सी है है प्यारी लेकिन जानवी 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 नदियों पाल से जंदा थाना में जब उसने ऐसे ऐसे खतूत जो दिखाया ना वो बहुत आला काम था मुझे बहुत पसंद खतूत अब पहले हीरोइनी होती थी अपने चेहरे की वजह से

अजीत भाई हर हाँ, 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 चेहरे की वजह से नहीं जानी जाती आयशा टाकिया भी फेमस थी यार आयशा हमजा इशफाक बता दे हमजा मुझे लग रहा है, रहे है, बस से पहले काम अली भाई अली भाई मैं अस्सी फीसद पहुंच चुका हूँ बस बीस फीसद रहते हैं दो, दो, दो और क्वालिटीज अगर मिल जाए ना अली भाई तो शहरी से पहले नहा सकता हूं मैं आप उसके साथ क्रिकेट डिस्कस कर सकते हो मतलब पटौडी की पोती को अगर क्रिकेट का नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा वाह क्रिकेट रॉयल्टी सिनेमा उसकी एक और बहुत खूबी बता देती हूँ बड़ी खूबी एक और भी है कि देखो सारा अली खान के थ्रू आप करीना कपूर तक भी पहुंच सकते हो हा 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 इससे बड़ी क्या खूबी होगी बेबो मैं बेबो क्या बात है क्या आप लोगों को शुरू में लगता था कि करीना कपूर इतनी बड़ी लेजेंड बन जाएंगी आई डिडंट थिंक शी वुड बिकम सच एन आइकॉन लाइक आई डिडंट थिंक वाज यार जब आप मैंने आइकॉन है जब मैंने उसमें देखा था ना वो जो थी इसकी वो जो शाहरुख खान के साथ मूवी आई थी आ, वो रोजी का बिकम नहीं ये जिसमें वो वो जिसका गाना था मेरे जैसा ढूंढ सजन सन सन नन सन, सन, वो कौन सी थी अशोका हाँ। जब अशोका में मैंने उसको देखा था ना इसके ऊपर वो मक्खन मलाई टाइप ऐसे दो लीरे बांध के डांस करते हुए तो मैंने कहा था ए कम का नशा रात का नशा मेरा भी रात का नशा गया छोड़ा नहीं बहुत आला बहुत आलाने एक और... भी एक्ट्रेस की ना कोई तारीफ नहीं की तो तुम बात शुरू ही करते करते ये 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 हो जाता कि मैंने मैंने देखा देखा तो 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 वो ऐसे ऐसे। कोई बोरी मैं के, मैंने देखा तो एक रावण पे इतना बुरा मुह बनाया है ना भी छम अक्षलो बहुत बड़ा गा रहा था हीरो ओ ओ ओ ओ ओ रो चमक चलो चमक चलो कैसा नच के दिखा दे आ मेरी देरी गिरा दे आ मेरी अखियां से अखियां मिला दे देने न दिखा आ, आ, आ वाह एक ज्यादा ही स्वर लगा दिए भाई <laughs> अशोका अशोका देख के आपको रियलाइज होता है कि पहले तो बॉलीवुड वालों को फर्क ही नहीं पड़ता था ना कि हम कैसे दिखते हैं अगर आप अशोका में शाहरुख खान को शर्टलेस देख लें और फिर बोले ये वॉरियर है <laughs>

मतलब अगर वो कोई हिस्ट्री के भी किसी उसके बारे में मूवी बनाते ना तो वो अपने ही राइटर उनके लिखते हैं कि सही नहीं बनाता है जो ना, वो बारबेरिक किस्म के, के होते हैं और वो पिट की तरह बिल्कुल भी नहीं होते जैसा ड्राइल में दिखाया गया है तो वो ये जो भी बनाता है ना वो ग्लोरीफाई करने के लिए हमेशा जो है ना द मोस्ट जिसका सबसे ग्लैमर होता है उसको उठा के वो अपना किंग दिखा देते हैं

शाहजहां ने जो वो बनाया था ताजमहल वो वो अच्छा शाहजहां है मुझे भी बताओ वो एक खातुन तो 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 है भी करो तो भी मरासबत है दोनों की शक्लों में और किसी ने कहा था की इसके लिए ताजमहल तो बनाए मैं बाथरूम ना बनाऊँ शाहजहानी हंड्रेड में था उस वक्त कैमरा नहीं था नहीं 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 शाहजहां और ये जो थे इनकी बीनियां जो थी वो ज्यादातर सेंट्रल एशियन और ईरानी थीं तो ये तो आप छोड़ देंगे वो नहीं होंगी मतलब अच्छी प्यारी होगी हाँ प्यारी तो लेकिन उस वक्त कैमरा नहीं और तो। कैमरा नहीं

उसकी प्रॉपर जो जो हिस्ट्री है वो बड़ी फैसिनेटिंग है वो 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 बड़ी बड़ी फैसिनेटिंग एक एक फिगर उन्होंने दिखाया ना कि वुमन वाज लाइक कोई कोई अपने ज़माने ज़माने की वो एक की की किस्म आइकॉन थी एंड शी बिलोंग सम उस रॉयल फैमिली से उसका ताल्लुक था लेकिन उसका ऐसी कोई स्टोरी बहुत अगर पहले चले जाओ तो यार क्या क्या हसीन थी मुझे तो फिरदोस बहुत प्यारी लगती थी इवन थी। थी। so हाँ। मीरा यार, मीरा वॉज सो फोटोजेनिक मुझे याद है जो ब्राइडल जो फोटोशूट वो मैगजीन्स में आया करते थे मीरा के अल्लाह अकबर दिली प्लीज आना कर

अदिल भाई आपको देखे लोगों लगेगा वाकई इसरा ने कुछ कर दिया है आ गई दज्जाल कर लिया और वो फलस्तीनियों के साथ शामिल हो गया अब वो पाकिस्तान की फौज में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आ चुका है ये देखिए ये है दज्जाल की

अदिल भाई आज तक मैंने कोई चेहरा नहीं देखा जिस पर आयना कितनी बुरी लगती है आप <laughs> आ, आप, आप रिवर्स मियां खलीफा हैं एक जमाना था कि मैं भी ऐनक पहनती थी फिर आई गॉट लेजर सर्जरी तो मेरे मेरे ऊपर भी डेफिनेटली अदिल भाई ने लेजर का सारा पैसा कहीं और खर्च कर दिया है <laughs> 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 नहीं नहीं यार मैं क्या साफ सफाई में नहीं नहीं अदिल पहन लो कोई बात नहीं ऐसे ही है

अजय भाई आप साउथ का सिनेमा देखते हैं और जल्स होते हैं कि यार अगर इस तरह की फिल्में बन रही होती है तो मुझे, मुझे हीरो तो तो और और बनी भी नहीं थी हम रजनी के जमाने से लेके और उस टाइप की फिल्में तब से देखते हुए आ रहे उस टाइप साउथ इज ऑलवेज साउथ का म्यूजिक

जी अजीब मैंने फीचर की बात की कसम जिस तरह आपकी शकल नजर आ रही है ने ने? ने, ने, मेरे, मेरे, मेरे देखे देखे ना आप कपड़े उतार के भी बैठ जाए हमें फर्क भी नहीं पता चलेगा दोनों चीजों में यार मुझे तो ठीक नजर आ रही है बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो खैर नहीं अंधेरा आ रहा पीछे से दीवार नजर आ रही व्हाइट <laughs> ब्लैक ब्लैक ओ भाई, रहे हैं? भाई, खुदा यार। हैं कोई भाई तो आप ऐसा लग रहे हैं की बिस्वा कल्याण रथ और बाबा रामदेव का कोई बेटा हुआ है आपको रहा खालिस्तानी तहरीक का एक लीडर

दस साल पहले व्रत रखे है और उसकी हमने ये मम्मी, मम्मी फाइट बॉडी रखी है यार वो बाबे नहीं होते जो लोटन बाबा जो ऐसे ऐसे वो जमीन के ऊपर लोटिया लेके एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं वो मान के, मन्नत मान के के मन्नत ओ लग ना कि मैंने पचास साल तक नाखून नहीं भाई जाने भाई जाने भाई है मुझे आदिल भाई कर दे दो लाख की खुशी में ये तो ऑडियंस दिखा दे हैं दो, 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 दो लाख की खुशी में मेरे जो एक लाख फॉलोवर है वो तो भाई एक नए आ जाएंगे ना साउथ के भी तो आएंगे बिहार हटाने के लिए ऐसा ऐसी कौन सी चीज सामने लेके आऊ जिससे शक्ल से ध्यान हट जाए तो आप ये सोचें कि जो चीजें तो पर अनिल कपूर का सीना है भाई के सीने पे क्या होगा यार कुछ भी नहीं करो, ये ये जो रंग है मेरा ये छतों पे गुडिया उड़ा उड़ा के सबसे गुडिया मेरी से यहाँ से नीचे बिल्कुल ठीक हूँ कसम ले

कोई चैट में कह रहे हैं मरियम शफकत यू आर एवरीथिंग बट आई एम टू यंग फॉर यू कोई नहीं उम्र बताओ यार ये क्या बोल रहे हैं आप बताओ मरियम आपको अपना सैफ अली खान बना देगी यार कोई टेंशन नहीं नहीं इसका मुझे बताओ कि असली प्रोफाइल है या नकली बारबी है यूजर नेम भाई बारबी हाय हाय लानत लानत तेरे ऊपर जोड़ी है भाई बाबर आजम की कैप्टेंसी पे कुछ कहें क्या कहें भाई बहुत गालियां पड़ती हैं इससे अच्छा फौज को कुछ कह लो आप क्या खिलाफ है बाबर आजम के अली नहीं मैं खिलाफ मतलब मेरा कौन सा उसने प्लॉट मार लिया लेकिन वैसे ही आजकल वो बहुत फेक अकाउंट चल रहा है इसका बाबर का और रिजवान का वो ऐसा बचते हैं आपको आके के, के बेड़ागर कर देते हैं अली तुम वैसे किसके खिलाफ हो इस दुनिया में यार नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ हाँ देखा पब्लिकली पब्लिकली किसी के खिलाफ नहीं देखे ना तुम आपने ना हर इंसान में अपना अगला पेटर्न ढूंढना <laughs> <laughs>

यार तुम आफताब इकबाल की क्या बात कर रहे हो दुनिया का सबसे बड़ा जो यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट और ये वो जो इतने पैसे अपनी यूट्यूब से ही कोई करोड़ों डॉलर कमा लेते हैं उनके भी है तो ठीक है बिल्कुल ठीक है लेकिन आफ्ताब इकबाल आपको पता है यहाँ पे जब आप न्यूज था ना तो मैं एक रोज गया तो उसकी पूरी दीवार पे ना एक बहुत बड़ी कोटेशन लिखी हुई थी

मे, ये ये तो 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 बातें तभी तो फिर तुम्हारे पेट्रियन नहीं बनाया हुआ सर जहां से डायरेक्टली अर्न कर रहे थे वो बदल गया है ना हाँ वही ना तो वो हमसे बदल, बदल से बहुत गया भाई उन्होंने

उन्होंने मुझे दो एक हफ्ते हफ्तेब <laughs> एक, एक को भी बुलाया था आफ्ताब इकबाल को रिप्लेस करने के लिए वो जो हमने पायलट शूट किया वो देने और आज का देने है तीन साल में किसी चैनल ने मुझे फोन तक नहीं <laughs> <laughs> वो पायलट देख के लोगों ने कहा नहीं पायलट नहीं ये पी आई ये का पायलट है निकलो

वैसे हमारा वाला बेहतर था अली जो हमने किया था तो हां हमारी वजह से जब हमने किया उन्होंने बोला पिछली आई बेहतर था।, <laughs> था अली भाई को अंबानी वेडिंग का इनविटेशन मिला मिला अली भाई किसका इनविटेशन अंबानी की शादी का अली को अपनी इ... शादी का बड़ी मुश्किल से मिला था अंबानी की शादी का इनविटेशन भाभी तो नहीं सर बुला रहे

यार इस टाइम तो सो गए होते नहां क्या हुआ ये है, हो। है ये, कोई ये है, है मुझे लगता लगता है है कोई कोई मुझे ये पटवारी होगा वही आजकल ये के नीचे कमेंट करते हैं मंसूर नचते नहीं है ना वो स्टेज पे नाचने वो भी नाचते वो दूल्हा दूल्हा ने जो डांस किया था इतना खस्सी किस्म का अल्लाह माफ करे

इसमें बकवास से तान से मैं देख रहा था अक्सर पोस्ट्स ना उस किस्म की आ रही थी कि वो देखो फलाने को नचाता वो देखो शाहरुख तो सलमान को इकट्ठे नचाता वो नचा... ये इतनी अजीब सी पोस्ट थी उसकी वजह ये है कि वो ये थोड़ी था कि शाहरुख और सलमान नाच रहे थे वहां पे या आमिर खान नाच रहा था उसके अपने घर वाले भी नाचते अंबानी खुद भी नाच रहा था उसकी बीवी भी नाचती थी उसकी बेटी भी नाच रही थी वो ये कोई पाकिस्तानी सेठ होता ना तो उसने वो करना था कि भाई चलो भाई कंजरों सारे एक करके आई जो स्टेज पे हाँ कंजरिया नचवाने के लिए एक चल रहा हाँ। था चक्कर जितने लोग थे सारे ही नाच रहे थे और यार दूसरी बात ये है कि वो अः वो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सेलिब्रिटीज करके बुलाया और जैसे लोग बुला लेते हैं जी हाँ आप इतने पैसे ले रहे हैं और हमारी शादी में आ जाएं उन लोगों के आपस में भी काफी ताल्लुकात है मतलब बॉलीवुड के और, और उनके और मॉडल्स के और ये वो फिल्मे वगैरह फाइनेंस करते हैं ये करते हैं वो उनकी शादियों में जाते हैं ये उनकी शादियों में जाते हैं तो वो पैसे लेके शादियों पे जाते हैं नाचते हैं पैसा कमा रहे हैं ना हमारे सेलिब्रिटीज तो मतलब

दीवार के आगे खड़े हो जाएंगे तो शायद हमें कल से काम मिलने लग जाए तो वो नहीं तो मिला किसी को नहीं मिला किसी ने तो कुछ बोला होगा ना कि यार दीवार के सामने खड़े हो जाओ या दीवार के सामने लगा देंगे तो सर खड़े हो नहीं जा? हमारे वाले खुद भी माशाल्लाह इस तरीके के मौके पर हैं तो ये सियाड़े बन के गए थे लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं मिला तो वो और दूसरा ये जो है ना अंबानी ने फैमिली को सबको बुला लिया था वो तो देखो ना यार हर आदमी का अपना एक सोशल सर्कल होता है ठीक है अब मैं आपको जानता हूँ आप को जानते हैं हैं अब हम एक दूसरे की शादियों पे जा सकते मैक्स उसका है इस वक्त। आ, अदील की दुबारा हो सकती है और तो हम में से मेरा नहीं ख्याल और, और किसी का अली का तो चा वैसे ही लथ गया हुआ है और बाकी भी चा लथ गया हम सबके चा लथे हुए है और शहजाद को देख लो इससे किसने करनी है

जो इवन ईयर्स होते हैं वो मेरे लिए अच्छे होते हैं जो ऑड ईयर्स होते हैं मेरे लिए अच्छे नहीं होते तो में मैं कोई रिश्ता नहीं शुरू करूंगा में हैं। में उसने तो मुझे मुझे आप बाबा रामदेव मानेंगे मेरी इन बातों को आप खुद जिस तरह की बातें नहीं बट ये जेन्युइन सच्ची बात है ये तेरी शादी होनी ही नहीं ये अगर कोई अच्छी चीज होती तो इवन नंबर में हाँ होती ना ये तो होनी है ऑड में जैसा वह आदमी यहाँ सभी दिल जले हैं दिल जले यहाँ सारे आ, अली भाई आपकी ऑड दिस में हुई थी इवन में हुई थी ऑड में मेरी भी मेरी मेरी भी देखा सही बोल रहा हूँ ना मैं अदिल भाई आपकी आपकी इवन में होगी हाँ देखा अदिल भाई सही है सब में से कुछ तो तुमने कौन सी शादी चलाने के लिए करनी है नहीं तो मैंने क्या क्या मतलब क्या करना है मैं <laughs> तुमने बस टिक करने के लिए करनी है कि शादी तुमने बस हाँ टिक मार्क करना है तुमने कर लो हाँ यार कर... कर लो यार बड़ा अच्छा हो गया अब तो हमारे दोस्तों में तो कोई नहीं रहा तो वही है कि मतलब छोटे वोटों की शादियों पे जाते हैं बोर हो जाते हैं अब तो ऐसा अंकल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो... यार वैसे भी मेरा ये मानना है कि जब आपने कोई काम करके भी पछताना है और ना करके भी पछताना है तो फिर करके पछताना बेहतर होता है, कम ग्रीन स्टार है दूसरा ये भी है, कि अगर हम लगी है तो तेरी क्यों ना लगे हूँ तो दूसरा इंसान भी तो तैयार हो ना मतलब मैं अकेला क्या करूँ शादी बहुत अच्छी चीज है दुनिया के मसलों से ना आप तो कारोबार में भी अगर लॉस हो जाए ना तो उतना दुख नहीं होता उसकी वजह ये कि आपको पता है कि ये कोई मसला नहीं है मसला तो वो है जो मैंने घर जाकर जो <laughs> अभी घर जाके भुगतना है हाँ <laughs> ये भी मसला हो गया कि मुश्किलें आपनी पड़ी मुझ पे कि आशा हो गई जैसे-जैसे आप उम्र बढ़ती जाती है ना या तो आप शुरू में फंस गए हो उसके बाद आपसे हाँ। मसले बर्दाश्त नहीं होते ये मेरा मसला है कि मैं वहां खड़ी थी तुम चले गए मैं ये चाहती थी तुमने वो अबे भाई चल यार मैं क्या मतलब ये जो छोटे छोटे मसले होते हैं ना अनलेस वो आपकी शादी हो रिलेशनशिप हो डेटिंग लाइफ में ये सब नहीं बर्दाश्त होता भाई यार इसीलिए मैंने ना पढ़ाई खत्म करते साथ ही बिल्कुल नहीं साथ बल्कि अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी मैंने फटाफट फड़ शादी की बच्चे पैदा किए उसके बाद तलाक और सब कुछ सेट है अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और नाउ आई एम लाइक

तो बड़े लोग सही कहते हैं ना कि बेटा ये पच्चीस से पहले शादी कराओ सोचना शुरू हाँ। कर दिया तो उन्होंने नहीं की होगी वैसे अदिल भाई ना आप दोनों की तो 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 हो हो गई ना वो, गई। वो एक फतवा कि भाई अगर टीवी में हो तो मतलब में मतलब जिंदगी भी नहीं आप दोनों का रोमांस है अच्छा अदील भाई को तो शेर तो सुना दे, दे जो मिर्जे वाले ड्रामे में भी हुई थी मिर्जे ने जो तमकीनत के कैरेक्टर के लिए सुनाया आज अदील भाई वही शेर तमकीनत के लिए भी सुना दे नहीं इतने खसी शेर ना मेरे लिए सुनाए जाएं यार अगले जुमे बड़ी अगले जुमे ऐसी कातिल गजल आनी है ना मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह माफ करे दे दे टीजर तो टीजर तो दे टीजर गो यार दो शेर सुना देता तो हूँ मैं उस गजल के कि कई जमानों के गम ओढ़े फिर रहा हूँ कई जमानों के गम ओढ़े फिर रहा हूँ एक रोज जो तुमने मुझे अपनी शॉल पहनाई मुझको डॉक्टर ने मीठा बंद किया है मुझको डॉक्टर ने मीठा बंद किया है और तुम फिर मुझसे मिलने चली आए <laughs> ये जिस टाइम मदिल ने ये लिखी थी ना ये पूछ रहा था कि यार इसको और कितना घटिया किया जा सकता है ये तो ये चार पाँच लोगों ने मिल के ना हमने फिर अप्रूव की थी कि हाँ, ये वाकई बहुत घटिया है ये इतनी मैंने मेथड एक्टिंग की है और इतनी इसके ऊपर वर्क किया है कि ये मेरे कैरेक्टर के लिए शेर थे ये को सामने बिठा के मैंने जो मीठा बनता उसको छोड़ दिया या वो अब तक साइड पर है

youtube.com/aliyaftab सईद को सब्सक्राइब करने <laughs> और पेट्रियन पे अलीयाफताब अंडरस्कोर सईद है और पेज पे आपको जैज कैश इजी पैसा के नंबर भी मिल जाएंगे और सबसे आखिर में जो लोग लाहौर में हैं या लाहौर आते हैं आपने कॉफी नर्ड्स पे आके कॉफी जरूर पीनी है <laughs> सही अली मेरे पेट्रियन का भी क्या और कुछ रह गया हो भी उसने कहाटरी खत्म हो गई है अली के घर के चंदे का तो एड्रेस बताया इन थैंक यूं जी हाफि हम लोग भी फिर इख्ताम की तरफ चले दो <laughs> घंटे तो हो चुके हैं हमारी गुजरातों ने मुझे जगा दिया करूँगा

आपने कोई गाना गाना भी किसी के रिक्वेस्ट आई थी कि शो में जो गाना गाया है, वो गाया थे है? तो थोड़ी देर पहले गाया ना नहीं, नहीं मैंने तो अच्छा तो में, में कुछ नहीं गाया? नहीं गाया गाया आपने में में मेरा ऐसा कोई किरदार नहीं था गाने गाने वाला शादी का गाना ड्रामे लिखे अभी, अभी पाइपलाइन में हैं। लेकिन यस, yes, so, दे दे, तो... अगर से कोई देख रहा है तो वो प्लीज फाइनेंस करे ताकि और है? मैं उसमें आपको जलवागढ़ आप, जहां, अब जहाँ अली आफ्ताब मार्केटिंग की है तो मैं भी बताता चलूं कि एक वेबसाइट है आप उस पर जाके देख सकते हैं अब्दुल शाहिदा डॉट कॉम तो ये एक राइटिंग की फर्म है गिल्ड जिसमें पांच से छह राइटर्स अभी हम ऐड कर चुके हैं और मजीद राइटर्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं और हमारा... मुझे भी उसमें कर लो यार।, यार तुम लिखना पहले शुरू करो ना तुमको काम भेजा मैं लिखना, 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 लिखना शुरू करूंगी ठीक है तो इस वेबसाइट के ऊपर आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हैं बैठ के उर्दू इंग्लिश दोनों में और हाँ

और काम बेहतर भी होता है तो उस पर हमने वर्किंग की है, उस अब हमने तकरीबन कोई एक एक ड्रामा हमने बना लिया है लिख के भेज दिया है आ, दो और पे काम कर रहे बट वो पैनल में चल रहा है उसमें कोई में अधील 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 या कोई या और किसी तरीके से नाम नहीं है वहाँ हमारा नेम यूज हो रहा है अब्दुल शाहिदा जो हमारी कंपनी का नाम है अब्दुल राइटर शाहिदाइटर नहीं इसमें मैं मैं था और मेरे साथ अवैध थे दो दो राइटर्स था और हर कोई अपनी एक्सपर्टी के साथ आए तो फिर आई थिंक एक बेहतर स्क्रिप्ट पाकिस्तान में भी निकलेगी वर्तना वो यही है कि अब मैं ऑलरेडी कुछ एक दो प्लेज एक्टर भी जाके कर रहा होता हूँ

मैं मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा ज्यादा देखती हूँ ये नेटफ्लिक्स पे और बाकी इन जगहों पे कोई अच्छा अच्छी सीरीज आ जाए ना तो तो मेरा तो एक मेन वो कैटेगरी वो क्राइटेरिया ही होता है कि कोई भी स्टोरी जो मुझे हैंगओवर ओवर दे देना जिसके बारे में मैं खत्म हो तो मैं सोच सोचती न तो दिस वॉज वन ऑफ दोज दैट लाइक गेव मी प्रॉपर हैंंग ओवर आई वॉज लाइक आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट स्टोरी

पाकिस्तान में वही फॉर्मूला वाला फॉर्मूला वाले ड्रामे ज्यादा चलते हैं और वो सारा आता है तो मतलब इससे पहले जो मेरे ख्याल जो दबान दट आई रियली लाइक काबली पुलाव वॉज वेरी नाइस बट आई थिंक दिस वन वॉज इवन इवन बेटर सम हाउ या हमने अब इस इसमें भी एक जो अच्छी बात है और अपने काम को खुद ही वैसे तारीफ करनी नहीं चाहिए बट हमारा जो कि फोकस था इस के ऊपर और वो

बस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे चल रहे होते हैं हमारे ड्रामे के एक दूसरे बस साथ उसका, क्या हाँ, बस उसका एक और उसमें कि कि अच्छा तो अच्छा तो हमने, हाँ। हमने तो हमने तो अपने ड्रामे में हीरोइन से पूरे का पूरा जो लोड है वो उठा लिया हुआ एक किस्म का उनके ऊपर जब हम लिख रहे थे हमें तब भी ये कहा जा रहा था कि यार आप उनका काम बहुत कम लिखते आप लव स्टोरी को इतना ज्यादा टाइम नहीं देते बाकी कैरेक्टर्स को जो है ना वो ज़्यादा स्पेस दे रही है इस के अंदर लिख रहे मॉडर्न देखो देखो। 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 फैमिली तो बहुत, बहुत हो गया या फ्रेंड्स हो गया या इस तरह के और जो कि नई नस्ल हाँ। बहुत चौक से देखती रही है उसमें कोई हीरो hero, हीरोइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और वो सब कैरेक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और उन सब की अलग अलग लाइफ स्टोरीज हैं और वो सारी इंटरेस्टिंग है आ, और कोई ना कोई उनमें से किसी ना किसी के साथ रिलेट कर सकता है हम्म और फिर एक और मैंने कहा पाकिस्तान में फैमिली फ्रेंड कितनी देर दे दे चलता रहा है उसके भी चलता रहा है हाँ एक और चीज भी है ना कि वो हीरो हीरोइन और ये जो विलन का कॉन्सेप्ट है ना कि आप दिखाते हो कि अच्छा बस एक बंदा होता ही बुरा है और एक बंदा होता ही अच्छा है

जब आपको वो कैरेक्टर एज ह्यूमन नजर आ रहा होगा हमने तो अपने ड्रामों में फिल्मों में मेंबर में बैठी हुई तकरीरों में जहां पे भी हम जाते हैं ना तो हम बिल्कुल लाइन लगा देते कि ठक करके ये बुरा है और ये ठीक है और वो जो आप वही वाली बात है जब आप एक, हम हम सफर एक बहुत फेमस ड्रामा था हमारा उसके बाद पचास ड्रामे उसकी कॉपी पे बने लेकिन उनमें सब में एक चीज बड़ी कॉमन आ रही थी कि जो लड़की विलन होगी ना वो पेंट पहन रहेगी वो जो थोड़ी सी मॉडर्न होगी जो कर रही होगी हाँ उसने जींस पहनी होगी और अगेन वो साजिशें कर रही होगी वो लव पर कर, कर रही होगी और वो मतलब उसकी उसकी भी कोई बड़ी इवलिश कोई कोई चीज नजर नहीं आती मां मांसभा इसके कि उसको एक बंदा अच्छा लगता है और उसको हासिल करना चाहती है ठीक है उसका आपने ऑब्सेशन दिखा दिया लेकिन जिसको आप अच्छा दिखा रहे हो उसकी कोई एक अच्छाई नहीं होती उसकी अच्छाई क्या होती है कि उसके साथ जितना गलत हो रहा है

उसके हाथ में कोई जिस तरह आजकल किसी नॉर्मल जो इंसान सोचता है जिसके हाथ में कोई अगर कोई अगर मोबाइल होगा या बंदा कुछ कर रहा होगा या कोई वॉक कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा अपने लैपटॉप पे मोबाइल पे और तब सोच रहा होगा साइड पे नो इट्स लाइक या फिर दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारे यहाँ मतलब जितने भी ड्रामे हैं उस दिन मैं अदील से भी यही बात कर रही थी कि हमारी जितनी भी स्टोरीज हैं वो सिर्फ एक लड़के और एक लड़की के आपस के मोहब्बत के ऊपर ही क्यों बेस्ड है मतलब आप एक हमारे ड्रामे देखो तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि एक 20 -20 साल की लड़की को एक चौबीस पच्चीस साल के लड़के से प्यार हो गया है और बस वो किसी भी तरीके से एक दूसरे को ना हासिल करने के ऊपर उनकी तवज्जो है और फिर आ, एक लड़का है जो उस लड़की को पसंद करता है और एक और लड़की है जो उस लड़के को भी पसंद करती है और वो किस तरह उनको अलग करा के इवेंचुअली देन अगेन उन्हीं बंदों को फिर से हासिल करने में लगे हैं मतलब हमारी सोसाइटी में और कोई मसला नहीं है इसके कि एक, एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं और कुछ और फोर्सेस हैं जो कि उनको शादी नहीं करवाने देना चाहती मतलब टोटल हमारे ड्रामा का यही फोकस है चाहे आप शहर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो यही स्टोरी है और कोई स्टोरी है ही नहीं और सबसे मुझे दो कजन जो सारी जिंदगी आपस में घर में रहे उनके अंदर एक जो है ना मतलब पागलों वाली मोहब्बत पैदा हो गई है अच्छा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं यू सी एनी साउथ इंडियन मूवीज मैंने सिर्फ आरआरआर आर आर देखी है आई थॉट आर वाज फिनोमिनल आप लोगों ने कोई देखी है I usually don't. मैं इंडियन फिल्में भी नहीं देखती ज्यादातर नहीं देखती बहुत कम कभी कभी कोई इंडियन कंटेंट देखती हूँ अच्छी, अच्छी, तो अच्छी, अच्छी थी थी बाहुबली के दोनों पार्ट अच्छे थे मतलब अगेन उनकी कुछ आर्ट मूवीज भी हैं हिंदी सिनेमा भी है जो यहाँ पे नहीं देखा जाता तेलुगु ब्रिलियंट ब्रिलियंट तो so, मैं उनका सारा मरियम कुछ देखती हैं मैंने रिसेंटली वो पंजाबी सीरीज देखी है खोरा दिस द मैं भी हाँ मतलब कोरा मैंने भी देखी खोरा वाज एक, एक्सिलेंट कंटेंट उसके अलावा जो मैंने इधर उधर देखी है वो ऐसे ही मतलब चूतिया ही हम लोगों को समझ रहे थे वो नहीं मुझे कोई इतनी पसंद आई फेवरेट हॉलीवुड मूवी यार मैंने भी रिसेंटली डोंट टू देखी इट्स फिनल इट्स फिनल इट्स वेरी गुड ऑब्वियसली माय फेवरेट ऑफ ऑल टाइम Parasite, if that counts as a Hollywood movie, it does count. I think Parasite is probably the best movie that ever been made. Ah, uh, कुछ है आप लोग की Hollywood कुछ देना चाहेंगे मरियम तमकीना तदिल भाई यार, यार Hollywood Hollywood दे में मुझे I I really liked a few good men for some reason. I know it's not a very कोई बहुत वो आला किस्म की movie नहीं है but that is one movie जो अभी मेरे ज़हन में आ रही है but usually I you like a few assholes यार

पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर एक ही किताब पढ़नी है मतलब हिस्ट्री एक तो मेरी पूरी लिस्ट है बट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान मोहम्मद वसीम पढ़ लो वो बेसिक सबके समझ में आ जाएंगे मरियम आपकी कोई हॉलीवुड मूवी थी अभी रिसेंटली तो मैंने कोई ऐसी नहीं देखी कि जिसको मैं बोलूं कि मैं बहुत अच्छी लगी हो और मैं यार मुझे याद आ गई इंटरस्टेलर आई एब्सोल्युटली लव्ड दैट मूवी इंटरस्टेलर वाज ऑसम I mean, uh, I yes, I parasite, generally really really love uh, uh, sci-fi or मतलब I am kind of addicted to it. तो मतलब मैंने वो sci सीरीज़ देख देखी थी don't वो नहीं देखी तुमने Don't ना Don't तू नहीं देखी मरियम हाँ huh? Judiency Don't नहीं Don't तू नहीं देखी वो उसकी मैं भी ऐसी ही क्या

नहीं मैं एक मिनट में बीच में कुछ कहने लगी थी कि दी एक्सपेंस अगर अगर आप लोग साइफाई के शौकीन है तो दी एक्सपेंस एक सीरीज है जो कि आप कहीं भी देख सकते हैं अगर खास तौर पे आप पाकिस्तान में तो आपको किसी चैनल की जरूरत नहीं है आप जाके देखे लाइक वन ऑफ दो सीरीज जिसमें आपको नशा चढ़ जाता है आपको और आप नशे के तौर के ऊपर देखते हैं बिकॉज दैट साइफाई कॉन्स्टेप इज लाइक वेरी रियलिस्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइक लाइक four, five, six hundred years in into the future, but then it's like extremely realistic. So yeah. Please watch. Succession, yes, Succession was phenomenal. Three body succession problem. Succession was awesome. Three body problem, बहुत बुरा मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा Netflix. मैं आज कल देखने मजा नहीं आया. Next Netflix ने I think butcher कर दिया है. Source material apparently is phenomenal and very rich, and it's a terrible adaptation of that. Lana Del Rey के गाने अंदर लगा दिए. हाँ नहीं वो

ओ मुज़म्मिल आ ये कौन सा टाइम है आने लास्ट टाइम हमने इसको बोल लेने दिया इसकी हमने इतनी बिस्त की थी शहजाद आई पर्सनली अब तो तारीफ है पता है फॉर योर ग्रेट वर्क कीप डूइंग एनी आइडियाज टू क्रिएट चेंज सॉरी यार वो कॉमेडी चला गया मुज़म्मिल अगर आगे हो तो कैमरा और ऑडियो भी ऑन कर दो यंग शेल्डन खुदा का खौफ करो या, है यंग शेल्डन हाय यंग शेल्डन मजे क्या यार इट्स लाइक वन ऑफ दोस लाइक

चाची आप रात के एक बजे भी इतने फ्रेश हम नशे आप के हम हम नशा हर चीजों के बारे में कुछ ना फिर एनर्जी होता है कि किसको क्या क्या पसंद है ये आपके मुझे मुझे चरस बहुत ज्यादा पसंद है <laughs> मेरे पास थे तकरीबन आठ दस मिनट तो मैंने कहा शहजाद साहब का जो उफ़ हंड्रेड के का जश्न चल रहा है इसमें हिस्सा डाल लें अपना

Mm -hmm. शहजाद के पॉडकास्ट के बारे में आई थिंक इट वेरी टू क्योंकि मजाक तो चलता रहता है हमारा वैसे ग्रुप में भी लेकिन ये एक चीज है कि मेरा ख्याल है कि इट हैज बीन रियली अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल क्योंकि मुझे याद है जब पहली बार इसने मैसेज किया था कि यार पॉडकास्ट करना है तो उस वक्त उससे पहले मैं दो चार देख चुका था जिसमें वो मैंने डिस्कस भी किया था शहजाद से कि एक डॉक्टर तैमूर का और आई गेस वो कोई डिबेट थी उसके साथ तो इट वाज वेरी फैक्ट जी 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 मैंने नोट्स भी लिए तो मैं मतलब I, I और, उसकी वजह यह है कि एक काउंटर कल्चर जो था पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वो दिखाई नहीं दे रहा था तो ये वो कॉमेड भी वो इस, वो उसने एक नज़र फोन पे भी मारी के नीचे नाम लिखा आ रहा है सही ले रहा हूँ नहीं वो नीचे तो, नीचे तो सिर्फ आपका चैनल का नाम आ रहा है तो ये है की मतलब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर कोई ग्लैमर ग्लैमर ऑफ होप है ना वो इसीलिए है कि शायद एक काउंटर कल्चर थोड़ा सा क्रिएट हुआ है मैं इसीलिए इतनी सीरियस बकवास कर रहा हूँ आप लोगों को मुश्किल लग रही हो बिकॉज आई सो डिप्रेस्ड ये जो तानले वाला में वाक हुआ है और जिस तरह से वहां पर वो मौलाना हजरात पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमने माफ कर दिया एक बच्चे का रेप हुआ ब्रॉड डे लाइट में और वहां खड़े होकर वो बाप को दरम्यान में खड़ा किया हुआ है साइडों पर सबने इंसर्कल किया हुआ है उसको और उससे कहलवा रहे हैं कि नहीं नहीं हमने माफ कर दिया गलती कोताही हो गई पता नहीं कितने इस तरह के केसेस दिन ब दिन यहाँ पर हो रहे हैं अभी ये मारिया वाला केस आप देख लीजिए या इससे पहले जो सब कुछ हुआ है तो इस सारी सूरत हाल में सारे के सारे मैं देख रहा हूँ कि अब नाम लेना मुनासिब नहीं है वरना क्लिप निकल आते हैं और लोग जश्न मनाते हैं कि हमें वैलिडेशन मिल गई इसीलिए लेकिन ट्विटर के ऊपर अभी मैं देख रहा था जिस तरह से लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं शेमलेसली कि जिस बच्चे के साथ ये सारा कुछ हुआ होगा उसके बाप पे कितना प्रेशर होगा या कहाँ पुलिस गई और स्टेट के तरह जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ और हमसे और आपसे टैक्स मांगती है लेकिन जब ऐसा वाकया होता है तो बीच में इंटरवीन नहीं करते ना किसी को बचाने आते हैं और तकरीबन एटी फाइव परसेंट मैंने कल भी कोर्ट किया है कि घर वाले ही होते हैं इस तरह के सेक्शुअल वायरस का केस करने वाले लेकिन अब भी प्रेवलेंट आर्ग्यूमेंट सिर्फ यही है कि हम और आप जैसे लोग शहजाद जैसे लोग या मरियम जैसे लोग या तमकिनत अदील भाई जैसे लोग फाशी फैलाते हैं और बाहर से फंडिंग लेके यहाँ पे जहर फैला रहे हैं लेकिन दरअसल ये फाशी का सोर्स क्या है ये सब विजिबल है तो मुझे लगता है कि इस सूरत हाल में जब इस, इस कदर होपलेसनेस है जब नौ लाख बंदा पिछले साल पाकिस्तान से बाहर चला गया है अब भी पता नहीं हम जैसे यहाँ पर बैठ के क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं जो भी है बट एट लीस्ट इवन इफ इट्स डिफीटेड एफर्ट दैट इज डन बाई शहजाद और मी आई स्टिल से दिस इज अ ब्रेव वन उसकी वजह यह है कि हमें शौक नहीं था कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स या फिर डॉलर्स के एक्सपेंस के ऊपर वो बात करते जो लोग सुनना नहीं चाह रहे या पीटीआई की बैंड वैगन में बैठ के अपनी वाहवा नहीं करवाई हमने रेवोल्यूशनरी नहीं बन गए ओवरनाइट ये सब बहुत आसान था आज भी बहुत आसान है आज भी इस मैच ट्रेंड में छलांग मार के ना एक एक्सट्रीम जो एंथुजियास्टिक ऑडियंस बनाना मुश्किल नहीं है लेकिन जो रास्ता शहजाद साहब आपने इख्तियार किया है आई थिंक इट ऑलवेज बी टफ और ये हमेशा ही रहेगा टाफी उसकी वजह यह है कि इस तरह की बात सुनने वाली एक ऑर्गेनाइज माइनॉरिटी है जिनमें से मैं भी था जब आपने ये शुरू किया सारा कुछ और यही कुछ सोर्स ऑफ इंस्परेशन हैं कि यार थोड़ी सी एक अलायंस तीन चार लोगों में जो बनती है इसके अलावा अब भी कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि आई थिंक दिस कॉल्स फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ डन क्योंकि बेशक वो हज़ार किस्म के डिसग्रीमेंट्स हो सकते हैं मेरे भी हैं आपके साथ आपके मेरे साथ हैं और बहुत लोगों के हैं लेकिन सबसे बड़ा ओवरलैप ये है कि कॉन्टेरियन बात करनी है या वो बात करनी है जो की नहीं जा रही तो इसके लिए ऑल माई रिस्पेक्ट टू यू एंड आई होप कंटिन्यू वो और बात है कि मामला दिन ब दिन मजीद ख़राब हो रहे हैं एक्सट्रीमिज़म भी और बढ़ता जा रहा है

so this is my acknowledgement of your work and that's what i had to say and thank you तो for bearing like kya likewise brother i think hum dono ke kafi kam subscribers the jab humne pehli podcast ki hai to we've grown together and then ab to muzammil to ek brand hai ab ghar ghar mein bacche शेर अफजल मरवत uh, सैड हो गया एक तो मंजन है अब तो हाँ तो, तो हाथ दिख रहा है ये, 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 ये पाकिस्तान का शेर गुआरा नहीं ये स्पेसेस लाइक अभी हूत बॉय साहब ने भी ब्लैक होल खोला है ये बहुत जरूरी स्पेसेस हैं यार इनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता ये जो सांस लेने के छोटे बहुत एल्कोव्स हैं या थोड़े बहुत आपको सुन मुजम्मिल को सुन लेते हैं आप लॉक लाइक अच्छा मैं सेन हूँ मैं पागल नहीं हूँ मतलब मैं जब देखता हूँ कि सब लोग भंगड़े डाल रहे हैं कि ठीक है माफी हो गई ना एक बच्चे के साथ ही तो ज्यादा हुई थी देखिये कितनी अच्छी चीजें आप सब भाई साथ साथ मिल रहे हैं आप बैठ के सोचते हैं कि मैं ही पागल का बच्चा हूं जिसको लगता है कि ये

इस ملک में जो हो रहा है जो हमारी तस्वीरें ले लेकर हम आ, हमारा जो ग्रुप था मरियम टूट गया ना इसलिए जवाब दें हम नहीं मरियम और मैं कुछ छह ग्रुप्स में थे मसला ये मरियम और मेरे अलावा जो जो थे उनसे हमारी लड़ाई हो गई मेरे कहने के मतलब हाँ मेरे कहने के वो भाई इस तरह की होती है कि ऐसी शायद और मेरी मिलके ऐसी कोई मनुसियत होती है कि वो ग्रुप टूट जाता है हां

वो रास्ते अलग होने ही थे उस तरह से वो आप उनके साथ उस तरह नहीं चल सकते अगर आपकी देखिए डिसएग्रीमेंट्स मुजमिल मेरी तमकिनत मरियम हमारे फड्डे भी होते हैं डिसएग्रीमेंट्स yeah. भी होती हैं बट वी नो दैट द हार्ट्स इन द राइट प्लेस वी आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग व्हेन यू नो दैट

आ, पोस्ट किया गया ट्विटर पे जिन्होंने एक लंबी वीडियो बनाई कि में में कितना हो रहा है और फ्रेंड में बोला इस के खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं, इसलिए मेरे पेट्रियन पे सब पैसे दें किस तरह कोई आदमी का नाम लेकर अपने लिए पैसे मांग सकता है पैसा बनाया तो है हाँ जो ट्विटर पे भी लोग ये ये इंटरनेशनल ग्रिफ्टर भी हैं जो यही काम कर रहे हैं यार ये शॉन और... किंग हो गया खालिद ब्रिदवन हो गया इस तरह के कितने लोग तो हैं है फिलिस्तीनी खुद अपने मुंह से कहते हैं कि भाई आप इनको ना प्लेटफॉर्म करें ना करें लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं जी हमने नहीं इनकी बातें सुननी हम इनकी ही सुनेंगे कदू, मतलब उन्होंने के हक हाँ में आवाज उठानी है लेकिन फलस्ती की आवाज नहीं सुननी कोई फलस्तीनी आपको कह रहा है कि आप इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म ना करें वो कहेंगे नहीं जी हमने आपके लिए आवाज उठानी है लेकिन हम आपकी बात नहीं सुनेंगे हम इनकी बात सुनेंगे आपके बारे में मतलब ये कौन सा लॉजिक है कि जिन लोगों के लिए आप आवाज उठा रहे हो आप उनकी बात नहीं सुन रहे आप उनके बारे में किसी ऐसे बंदे की बात सुनना पसंद करते हो जिसके बारे में वो लोग आपको कह रहे हैं कि ये ग्रिफ्टर्स हैं ये ऐसे लोग हैं अजीब ही नहीं, कोई यार या। एक और बात ये है कि मतलब मैंने अपनी पीएचडी जो मेरी मेरी सोशल साइंसेज के ऊपर की तो, तो सोशल साइंसेज की रिसर्च का सबसे पहला ये रूल है कि जिस कम्युनिटी के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसका परस्पेक्टिव इज द फॉरमोस्ट exactly. सबसे पहले सामने लाओ तो इस तरह के केसेस में ये जितने भी है ना इधर उधर के सारे सारे इवन गोरिया और गोरे जितने भी हैं सारे तो मैं तो नहीं उनको मतलब सीरियसली ले यार तुम सोचो कि लोगों ने लिटरली लोगों ने लिटरली जो असल के फलस्तीनी हैं उन लोगों को डेथ थ्रेट्स भेजनी शुरू कर दी है इन ग्रिफ्टर्स के चक्कर में कि आपने इनके खिलाफ बोला है तो बाकायदा उनको मतलब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट थ्रेट्स उन औरतों को भेजनी शुरू कर दी है जो फलस्ती औरतें हैं

लेकिन यही जो बात आपने की है ना कि एक आपको जो ए एक ये ओवरलैप नजर आता है जिस तरह आपका काम है या और लोगों का है बहुत से डिसग्रीमेंट हो सकते हैं अप्रोचेज में आपको पता है कि हर रोज पाकिस्तान में एक नया टॉपिक इमर्ज करता है चाहे वो किसी जर्नलिस्ट की अबडक्शन का हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन का हो या फिर किसी मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट के सेंसरशिप का हो अब उस उसपे हर किसी ने कोई ना कोई पोजिशन लेनी है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक बैंड वैगन होती है उस उसपे ऐसा हो नहीं सकता कि दस में से दस पोजिशन मैं ऐसी लूँ जो आपको पसंद आ जाए दस में से दस ही और आपकी दस में से दस मुझे पसंद आ जाए तो उसमें जो अनोमलीस होती हैं उसको मेरा ख्याल है कि साइड पे रखना चाहिए बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि माइनर डिसएग्रीमेंट में बिल्कुल ही शट डाउन कर देते हैं एक दूसरे को लेकिन मैं जो काम करूंगा वो हो सकता है आपके लिए कहीं कही ना कहीं जरूरी है और आप जो काम करेंगे वो मेरे लिए जरूरी है उसकी वजह ये कि जो स्पेस रेक्लेमेशन है जो हम सब ने मिल के करनी थी बेसिकली क्योंकि ये किसी एक हीरो का काम तो नहीं है ना मसाया का जो ऊपर से उतरेगा और सारी हमारी स्पेस जो है पाकिस्तान में पोस्ट एटीज या उससे पहले भी जो थी वो उसको रिक्लेम करके देगा तो ये जो काउंटर कल्चरिस्ट मूवमेंट होती है पूरी दुनिया में ये कोई एक बंदा नहीं कर सकता तो इसीलिए मैं तो ये कहूंगा अल्टीमेटली इट्स आई थिंक इट्स अ ग्लिमर ऑफ होप दैट चैनल्स लाइक आर रीचिंग टू लार्जर ऑडियंसिस क्योंकि पहले आप यकीन कर लें कि मैं जि जिस तरह के एकेडमिक्स को या बहुत से हाई अचीवर्स को भी अपनी फील्ड में या आपकी फील्ड में देख चुका हूँ जिनकी ना कोई बात सुनता है ना उनका लिखा हुआ काम पढ़ता है ना किताब पढ़ता है और ना उनकी कोई कॉमेंट्री सुनने को तैयार होता है तो अगर इस सारे सूरत हाल के अंदर जब मैसिवली आउट नंबर्ड है हम लोग और इतना ज्यादा है कि हमें ये लगता है कि शायद ब्लैक होल जाके या किसी पॉडकास्ट पे जाके या किसी ऐसी जगह पे जाके हमें लोग सुनने के लिए आ गए हैं तो एक बहुत बड़ा एक मैच बन गई है जो हमारे पीछे लग गई है ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी भी एक ऑर्गेनाइज माइनॉरिटी है और ये काम बहुत देर तक कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा अगर तो वाकई एक ऑर्गेनाइज एफर्ट करनी है अगर नहीं करनी तो सेल्फ एम्पावरमेंट तो बहुत ज्यादा हो चुकी है वो और भी हो जाएगी लेकिन उसमें एक लार्जर कॉज नहीं हो सकती तो वो तभी होगी मेरा ख्याल है जब इसमें हम वो, वो कहते हैं ना कि पैसटमिजम इन द माइंड एंड ऑप्टिमिज्म इन द विल तो वो ज़रूरी है कि मेंटली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे जैसे आपका चैनल है और लोगों का है मेरा अपना है क्योंकि जब शुरू किया था उस वक्त ही ऐसा था कि यहाँ पर सिर्फ कहानियां बेचने वाले या बैठ के वही कहानियां सुनाने वाले जो अक्सर आपकी पॉडकास्ट भी सुना के गए हैं जिसके क्लिप्स अभी तक वायरल हैं समझ गए होंगे आप और इसके अलावा ऐसे लोग जो कि बड़ा आसानी से औरत मार्च के ऊपर आके या फिर इमरान खान साहब की पर्सनालिटी के ऊपर कसीदे पढ़ देते हैं पॉपुलर तो अब भी वही होता है आसान तरीन तरीन हरबा वो है कि उस पर ना कोई रिसर्च चाहिए जो किताबें आप चाटते हैं मैं पढ़ता हूँ बैठ के वो करने की जरूरत ही नहीं है वो सिर्फ आप बैठ के एक लीडर को एंडोस कर दें और उसके बाद में सारी मैस आपकी है तो मेरा ये ख्याल है कि ये काम जो है ना ये इतना पे नहीं करेगा जितना कर सकता है अगर हम अपनी कॉन्शियस को साइड पे कर दें तो इसमें यही है कि अल्टीमेटली वी जस्ट हैव टू सी कि जिस किसी से थोड़ा सा इख्तिलाफ़ भी है उसको बर्दाश्त कर ले मैंने भी किया है अभी रिसेंटली भी मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि आपने एक वो स्टोरी लगाई उसके ऊपर वीडियो बना दी एक साहब ने तो आप उनके खिलाफ आगे से रिस्पॉन्ड करें मैंने कहा क्यों करूं यार कहीं ना कहीं वो दस में से आठ बातें ऐसी कर रहा है जो कि मुझे एम्पावर कर रही हैं तो करने दें ये बात उसको मैं पब्लिक में आके क्या उस, उसका बिगाड़ सकता हूँ या उस, उसका नुकसान किसको होगा अल्टीमेटली हमें ही होगा जिस तरह से इलेक्शन में मैंने ट्रेंड देखा है मैं तो बहुत जो है वो एक डिस्टोपियन फ्यूचर देख रहा था जिस तरह से ए एन के साथ जो कुछ हुआ है या इस तरह की और सरदार हुसैन बाबक है या अमीर अदर होती है इतने ऐसे लोग हैं हमारे लिए जान है लाहौर से मैं अभी परसों के साथ बैठा हुआ था सत्रह सौ वोट यहाँ से लिया उन्होंने जबरान नासिर उनको मैंने अपने शो पर भी बुलाया एक्सप्लेन करने के लिए कि आप बताएं क्या वजह है कि वो अट्रैक्शन नहीं बन रही तो ये वो लोग हैं जो जो बहुत से लोग बकवास करते हैं आके कि यार हमारे पास कौन सी ऑप्शन है अगर आखिरी ऑप्शन नहीं है यही ये ऑप्शन है ना ये क्यों नहीं ऑप्शन बनते इसीलिए ये नहीं बनते कि हम वो उस तरह से स्टेलमेट पे नहीं लेके आ, आ सक रहे ना इस कल्चर को तो ये बेसिकली जो लड़ाई वो जाके हल्के में लड़ते हैं ना उनका वोटर का दिमाग तैयार हमने यहाँ बैठ के करना है बेसिकली जो आपका पॉडकास्ट सुन लेगा किसी का ब्लॉग सुन लेगा थोड़ा सा एनलाइटन व्यू पॉइंट ले लेगा खुवान के बारे में या स्टूडेंट यूनियन के बारे में या ऐसे किसी मसले के बारे में तो मेरा ख्याल है कि दिस हैज टू हैजू तो बन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैनर थोड़ी थोड़ी सी जो छोटे छोटे इख्त हैं इसको साइड पे करना पड़ेगा मैंने भी किया हालांकि मुश्किल है हीट ऑफ द मोमेंट में आपको बहुत सी चीजें बुरी लगती हैं आप इंटेगनाइज कर लेते हैं उनको तो अल्टीमेटली तो यही कहूंगा मैं कि लार्जर कॉज को देखें अगर वहां पे आपका आइडियोलॉजिकल ओवरलैप है ना तो फिर लिबरल या मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट वो सब सेकेंडरी छोड़ दें फिर देंट आई मैं चलता हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारों का आपकी सारी जो वो मैं जरूर सुनूंगा बाद में ठीक है okay, भाई, take care, भाई. Take care. हम लोग भी फिर concluding अपने दें और खामो है हाँ, मुझे मैं हम क्या, क्या क्या कि अपना अपनी बोलती बंद करो की की पट्टी जर्मन में अभी आवाज़ नहीं नहीं आई हाँ। थी कह रही दस बजे के बाद आवाज नीचे दो दिन तक तो वैसे सही कर रही है लॉन्ग अगले दो दिन तक है पता नहीं क्या मौत है Sorry. जी अदील भाई आप कुछ राय देना चाहेंगे इस काउंटर कल्चर यार, think, uh, मैं, मैं साथ थी इस पे, वो इतनी चली इतनी चली कि बहुत सारे लोग मिले उसके बाद और उन्होंने हवाला दिया कि जी अभी तक मिलते कि आपकी वो पॉडकास्ट थी अच्छा फिर बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता था कि आपको किसी ने अभी तक कुछ कहा नहीं आप आप ऐसे कैसे फिर रहे हैं अभी तक तो मुझे जो सबसे बड़ी होप मिली थी ना वो ये थी कि अच्छा इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं नंबर वन नंबर टू जब हेट आता है कमेंट्स आते हैं वो एक अलग बहस है लेकिन आपको वो पचास कॉमेंट्स में से अगर कोई एक कॉमेंट इस तरीके कभी आ जाए ना कि यार आपकी बातें सुन के हमें एक सुकून मिल गया कि अच्छा काइंड ऑफ आपको एक अपनी रिप्रेजेंटेशन नजर आ जाती है भले वो बहुत माइनॉरिटी में नजर आ रही है भले वो इस तरीके से ही नजर आ रही है कि हम कोई बहुत बड़ी की डिसीजन मेकिंग पोजिशन के ऊपर मौजूद नहीं है हम कोई बहुत चैनल्स नहीं होल्ड कर रहे हम कोई बड़ी बड़ी मैसेज फोर्स जो है ना वो हमारे हवाले नहीं की गई हम इंडिपेंडेंट लोग हैं अपने अपने चैनल्स पे बैठ के बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से किसी भी सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि एक आदमी एक आम आदमी मेरे जैसा आदमी आपकी जैसा आदमी की मतम शाह जैसे आदमी एक आम आदमी इंडिपेंडेंटली बैठ के बात कर सके ये ज्यादा इम्पोर्टेंट सो ये तासुर जो है ना बड़ी मजबूती से बन जाता है जब एक एक आप कह सकते हो कि जो एट्रोसिटीज बढ़ती हैं स्टेट की तरफ से ना तो लोगों के अंदर एक से दूसरी पीढ़ी के बाद फियर फियर आ, जा, फियर आ जाता क्या डी एन डीएनए का ऐसा बन जाता है कि बस यही लाइफ है और हमने नहीं बोलना कभी हमने दोबारा मतलब बात ही नहीं होती मुझे बड़ी इस चीज की खुशी है कि जनाब हम जो बातें ऐसे पहले बंद कमरे में किया करते थे अब मैं लोगों की वीडियोस देख रहा होता हूँ कि वो बना रहे होते हैं या नीचे लोग आके कमेंट कर रहे होते हैं तो हमें खुशी होती है हम खुद आके कैमरे के ऊपर वो बातें कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता रियासत में और रियासत के लोगों में इतना हौसला पैदा किया जा रहा है कि जनाब आपने एक अल्टरनेटिव बात सुननी तो है बर्दाश्त तो करनी है अभी मुजम्मिल शाहजी बोल रहे थे ना वाकत के हवाले से वाकत पहले भी होते रहते थे, थे। माशा पहले भी कोई इतने थे अच्छे थे दिखते थे। लेकिन ज, जिस चीज से मुझे ज्यादा दुख होता है वो ये है कि के वक्त टीवी लगाओ ना तो टीवी के ऊपर तीस से चालीस चैनल्स हैं और वहां पे बैठे हुए बहुत सारे एंकर और बहुत सारे जो भी अम्म दीदी हल्कों से वाबस्ता लोग हैं वो एक सर्टन पैटर्न है डिबेट का कि आपके सामने दुनिया का कोई भी मसला लेके आया जाएगा आपने उसका ना खा करके ना रीजन बता दे रही बस जी दीन से दूरी की वजह से ये वाकत हुआ है तो बर्ट एक्सिंग में ये वाक्य इसलिए हुआ है कि हमारे मुल्क में दीन नाफिज नहीं है हमारे मुल्क में ये नहीं है हमारे मुल्क में वो नहीं है आ, ये और ब, आ, सरयान जो है वो को और ये वेस्टर्न सोचों को और हमारे जैसे लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ठीक इन सब की वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं अच्छा अब ये जितनी शिद्दत से बोल रहे हैं जाहिर है कि उतना इम्पेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हम बहुत थोड़े लोग हैं लेकिन बात होती है कि जो सच होता है ना वो उसका सिर्फ एक जुमला ही बहुत होता है ये पचास चैनल्स पे बैठ के बोले लेकिन जब इनके सामने हम जैसा कोई एक आदमी सवाल करता है ना और इनके पचास चैनल पे बैठे हुए ये नाम हाथ मौलवियों के पास एंकरों के पास और ये मोटिवेशनल स्कॉलर्स के पास जब आंसर नहीं होता ना और वो आंसर भी ऐसा हमारा जो सवाल होता है वो सवाल इनके अबाओ अजदाद और इनके पुरख और इनके जो आगे से जो बड़े बड़े ना जितने के नाम लेने के दावे कर रहे होते हैं थ्यूरिया पेश कर रहे होते जब वही चैलेंज हो जाते हैं ना तो वो जितनी बड़ी एम्पायर इन्होंने खड़ी की होती है वो उतनी ही शिद्दत से नीचे भी गिरती है और वही सारा मसला है कि जिस तरीके से ये मासूम जहनों के अंदर एक तस्वुर बनाते हैं एक फेक तस्वुर बनाते हैं उसको गिराने के लिए ना भाई आपके और मेरे जैसे आदमी का एक आधा आर्ग्यूमेंट काफी होता है

आपको नजर आ रहा है ना कि कौन कितने पानी में है किसके आर्ग्यूमेंट की क्या बेस है कौन किस नजर से देखता है एंड लास्ट सिर्फ मैं ये कहूँगा भी जो बात कर रहा था ना और आपने भी वो बात की देखिए इख्तलाफ हो सकता है किसी एक चीज को देखने के ऊपर आप कहे यार ये चीज ऐसे है मैं कहूँ ये चीज ऐसे है इख्तलाफ हो सकता है प्रिंसिपली गलत होने को इख्तलाफ नहीं कहते हमारे यहाँ बहुत सारी लो, लोग जो है ना वो प्रिंसिपली गलत है यानी वो जो स्टेट की जब अट्रोसिटीज हो रही होती है वो किसी और के खिलाफ हो रही होती है तो उस उसमें आप जश्न मनाए और आपके अपने खिलाफ हो तो आप उसे एकदम से जो है ना वो जुल्म करार देने लगते हैं ऐसे नहीं चल सकता इतनी करेज आपको फिर पैदा करनी होगी कि आपके मुखालिफ के साथ भी जब गलत हो रहा होगा तो आप कहेंगे यार ये तो गलत है भले वो मेरा मुखालिफ है लेकिन उसके साथ ये जो हुआ है ये गलत है ये सोच जब तक आप हम और इस तरह के चैनल्स नहीं होंगे तो भाई तब तक तो फिर वही मुता पाकिस्तान होगा ठीक है और वही अनवर मकसूद ब्लैज होगा और वही इस तरीके का लिटरेचर होगा और ये आवाम को इसी तरीके से बस जो है ना वो बना बना के एक डम क्राउड क्रिएट कर देंगे और अब वो डम क्राउड वायलेंट भी होता था उसको उस तरफ लेके जा रहे हैं कि जनाब सुन किसी की बात सुननी भी नहीं है तो आपका मेरा वाद काम यही है कि हमने माशरे में सिर्फ इतनी स्पेस क्रिएट करनी है कि भाई जन बात करने दो और बात सुनने दो बेट सॉन्ग और ये आप बहुत अच्छे से कर रहे हो और मेरे ख्याल से वन थिंग दैट दैट आई वुड वांट टू ऐड इज प्लेटफॉर्म्स लाइक लाइको सम हाउ मेक पीपल लाइक अस फील लेस लोनली क्योंकि कुछ अर्से पहले तक शायद हमें ये लगता था कि हम ही हैं और हमारे अलावा तो शायद अक्सर जो हमें लगता था कि मेजॉरिटी विच इज टू मेजॉरिटी इज वो रिलीजियस फेनेटिसिज्म में भी और दूसरे हाइपर नेशनलिज्म में भी इन सब चीजों में बिलीव करते हैं लोग एंड यू नो अ डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन एंड सो मेनी अदर थिंग्स सोशल जो कॉन्सेप्ट उनके ऊपर लोग बिलीव करते हैं लेकिन एक वो जो आपको अंदरूनी तौर पर एक तनहाई महसूस होती है ना कि यार शायद पता नहीं मेरे जैसे कोई सोच वाला कोई बंदा यहाँ है भी कि नहीं या कितने को लोग हैं जो इस तरह का सोचते हैं सो प्लेटफॉर्म्स लाइक योर्स या फिर अदील का चैनल हो गया या जब मरियम अपने वीलॉग्स बनाते या आई मेक और तो जब आप देखते हो नीचे लोग आके कमेंट कर रहे होते हैं और लोग एग्री कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हां जी हमें इस चीज से कुछ चीज समझ आई है या हमारा कोई आइडिया चेंज हुआ है या वो आपके साथ एक पॉजिटिव किस्म की कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज करना चाहते हैं तो दैट सॉर्ट ऑफ री स्टोर योर फेथ के अच्छा कुछ ना कुछ तब्दील किया जा सकता है और, और भी लोग हैं हमारी तरह के और सारा माशरा जो है वो एक पागलों का जत्था नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि थोड़े ज्यादा पागल हैं फिर थोड़े कम पागल हैं फिर उससे भी थोड़े कम पागल हैं कुछ दरम्याने हैं कुछ बेहतर है मतलब आपको एक स्पेक्ट्रम नजर आता है सोसाइटी का और आपको एक होप भी नजर आती है कि देर आर पीपल हु वॉन्ट टू लर्न देर आर पीपल हु वॉन्ट टू चेंज जो कि इसके अलावा भी कोई रियलिटी देखना चाहते हैं और चीजों में बिलीव करना चाहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको खुद लर्न करने को मिलता है इफ आई कंपेयर

तुम सबके साथ बातचीत करके बहुत सारी चीजें जिनपे मैं पहले बिलीव करती थी जो मैं अब नहीं करती या चीजों मैं पहले बिलीव नहीं करती थी और उनपे अब करती हूँ एंड आई थिंक वो आपको एक वो भी एक प्लेटफॉर्म भी देता है कि आप कंटिन्यूसली एक दूसरे से भी लर्न करते हो आप अपने बायसेस को भी या अपने जो आपके कॉन्सेप्ट हैं जो कि शायद उतने एनलाइटेंड नहीं होते आप उनको भी रिविजिट करते हो एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आई थिंक आई ओ इट टू ऑल ऑफ यू के uh, I

मदेन कर मदेन कर ने माइक ड्रॉप लड्डू खाऊंगी क्योंकि हाँ क्योंकि मेरी मेरे इस में यही रही है वाकई पानी फस गया गले में पानी फस <laughs> गया पानी कैसे फंसता है गले में इतना पानी आया वो गले में फसल तुमने पानी पिया भी नहीं मरियम तुम्हारे मुंह का पानी तुम्हारे गले में फस गया मुंह का थूक फंस गया ना गले के अंदर अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं शादी चली तुम्हारी पता <laughs> मेरी यही कंट्रीब्यूशन रही है कि मैं हर पॉडकास्ट में आके खाने खाती हूँ ठीक है और मेरी जो टीपी तीप, के साथ जर्नी रही है कि इस मतलब मैंने कोई पंद्रह बीस किलो तो किए होंगे गेन तो किसी <laughs> को मद्देनजर रखते हुए

तो उससे मुझे जो है वो थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी मिली कि यस इवन मी हैव बीन पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट और uh, मुझे तो अपने कुछ-कुछ लूजर मोमेंट्स के अंदर जो है वो <coughs> uh, थोड़ा सा ना वो सेल्फ uh, अश्योरेंस भी होती है कि ओके ओके यू नो इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग दिस डेज एंड आई एम ऑन एंड ऑफ सम टाइम्स अपीयरिंग ऑन दिस

कुछ तो, तो तो वीडियो, ऐ, वीडियो कुछ तो इतनी प्रॉपर होती हैं, हमें पूरी -पूरी वीडियो ही प्राइवेट करनी पड़ती है हमें <laughs> ये अभी दुनिया रेडी नहीं है ये नॉलेज के फवारे के लिए बताना पसंद करोगे कौन सी बात है जो कोई बात नहीं है हमने सब कुछ स्ट्रीम्स ऐसी की हुई है जो अब हम

Uh, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी बन गई है बीच में अनम बट कमेंट्स में लिख रही थी आई थिंक पीपल लाइक अनम अब तो मैं क्या आई थिंक पूरी ऑडियंस भी जानती है जैन जावेद इज जस्ट राइटिंग अगेन एवरीबॉडी एवरी जैन रजा ट्विटर पर एवरी सैयद जैन एवरीबॉडी मतलब एक जैन नाम के छह लोग हैं लोक रंजन ऑल दिस पीपल वो साथ एक कम्युनिटी बन गए एंड लाइक मजम्मिल सेड कि यार uh, कभी कभी हम सब नहीं कर सकते uh, हमारे पास कंटेंट बनाने की एनर्जी थी ना हमारे पास कोई और इशू पे बात करने की एनर्जी थी तो कभी कभी हमारे पास भी नहीं होता तो अब मुझे भी नहीं पता कि ये पॉडकास्ट कल तक रहेगा परसों तक रहेगा तरसों तक रहेगा तो अब ये आप लोगों पर भी हैटल के यार प्लीज ये जो थोड़ी बहुत स्पेस क्रिएट किए रिक्लेम करने की कोशिश किए आप लोग आप लोग भी करें आप लोग भी आवाज उठाया करें बातें किया करें एंड द मोर पीपल टॉक द मोर अदर पीपल विल फील कंफर्टेबल टॉकिंग सो एंड कभी कभी हम भी इंसान हैं यार गलतियां हो जाती हैं कभी क्लिप में उन्नीस बीस बात कर दी आई कैन वाउच फॉर एवरी बडीज ऑन दिस स्ट्रीम आर हॉट्स इन द राइट प्लेसेज तो हमें भी थोड़ा बहुत माफ कर दिया करें यार रियली फील ऑब्वियसली राइट तो राइट है उन्होंने तो हमें जलील ही करना है बट आई ऑल्सो फील है जो लेफ्ट और लिबरल तबका है ये भी ना एक दूसरे के

लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे हो बट बातें हमारी इसी तरह की होंगी अगर हम खुद से भी कर रहे होंगे खुद से भी बैठे होंगे और वही hmm. एक वाइब है पॉडकास्ट की के फ्रेंड्स कैजुअल तरीके से सीरियस बातें तो उसमें कभी कभी बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं माफ़ कर दिया करो खुश रहो सब लोग थैंक यू सो मच इन केस दिस जर्नी एंड आई थिंक इट वॉज दैट वॉज वर्थ टेकिंग बिकॉज लाइक पीपल से इट वॉज इन द डेस्टिनेशन इट्स द फ्रेंड्स दैट यू मेड द वे and these are my friends that I've made that I respect that I love and uh, and all of you are part of that group as well thank you everyone क्या तुम कैसे तुम कैसे कर रही हो ये पीछे सारा अबे घरी मुझे इस iPhone है जादू है, है। जादू तू जो नोकिया <laughs> 30 10 से शूट कर <laughs> रहे हैं ना अपने आप को तू स्नेक kill तू ये vmodet guns के बारे में ना सो मैं भी आईफोन लेने लगी हूँ मैं आईफोन लेने लगी हूँ मेरे पास भी आईफोन है आईफोन 6